नमस्कार भाई सारे। तो आज हरियाणा का इम्पोर्टेंट सा टॉपिक देख रहे हैं, हरियाणा की मानचित्रावली, जिसमें हरियाणा के बारे में टोटल बताया है एक बार ऊपर से। ठीक है, तो यह अभी सीरीज एक स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। हरियाणा की मानचित्रावली जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सारे के सारे इसमें आ रहे हैं। इसमें एक तो हो गया भाई हरियाणा के स्टार्टिंग में ही हो गया भाई कौन से स्थान पर लाई करता है और सबसे कम जनसंख्या सबसे ज्यादा जनसंख्या इसके बारे में। उसके बाद सारे मंदिर एक ही पेज पर हैं, सारी नदियाँ मिट्टी के बारे में, प्रमुख गुरुद्वारे हो गए, शिक्षण संस्थान हो गए और सारी की सारी महान विभूतियाँ होगी, हिस्ट्री के बारे में होगा। तो ये भाई 15-16 पेज की मानचित्रावली है, तो बहुत बढ़िया है। मने लगा भाई फायदा, इसलिए मैंने भी करी थी यार, और मने लग रहा है फायदा तो आपको भी मैं करवाने जा रहा हूँ। तो भाई ध्यान से देखना, 5-7 मिनट की वीडियो बनने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी एक सीरीज होगी 10-15 वीडियो की, तो वो भी जरूर देखना। एक सीरीज चलती है अपनी यार, एक चलती है अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो दोनों सीरीज साथ की साथ में चलेंगी। इसकी सुबह डाल दिया करूंगा वीडियो, उसकी शाम को आ जाएगा रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो हरियाणा की मानचित्रावली बहुत बढ़िया है ये। ठीक है, तो अपना स्टार्ट करते हैं आप आज। तो मेन पहला स्टार्ट करते हैं, ये जो साइड में टेबल दे रखी है इससे स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला जो इसमें क्वेश्चन दे रखा है वो कह रहा है भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है। कई बार पूछा जाता है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान है 21वां। जनसंख्या की दृष्टि से है कौन सा, जनसंख्या की दृष्टि से 18वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से 21वां, जनसंख्या वृद्धि दर के उससे, एक तो जनसंख्या वृद्धि और एक जनसंख्या घनत्व, तो दोनों के उससे 11वां स्थान है। ठीक है, ये याद रखना, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या घनत्व तो दोनों सेम है। उसके बाद लिंग अनुपात 29, और लिंग अनुपात के बारे में आगे भी मैं बताऊंगा। साक्षरता दर की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान है 15वां। उसके बाद पुरुष साक्षरता में है 12वां स्थान, और जो महिला साक्षरता है उसमें 18वां स्थान, मतलब पुरुष ज़्यादा शिक्षित हैं, इससे यहाँ से कंफर्म पता लग रहा है। एचडीआई इंडेक्स में हरियाणा का, एचडीआई का मतलब होता है भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इसमें है 17वां नंबर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। देखो यहाँ पर पंचकूला स्टार्टिंग में पड़े, पंचकूला में देखो क्या है, पंचकूला में तो सबसे कम जनसंख्या 5,61,293, ये याद करने की जरूरत है, बस आपने ये याद रखना कि भाई पंचकूला में सबसे कम जनसंख्या है। उसके बाद सबसे कम पुरुष जनसंख्या और सबसे कम महिला जनसंख्या भी पंचकुला के अंदर है। अम्बाड़ा के संस्थापक का नाम है अम्बा राजपूत, दिख रहा होगा आपको, देखते चलना भाई, सीढ़ी से चलूंगा मैं नीचे। अम्बाड़ा को मिक्सी सिटी भी कहते हैं। तो इस तरीके से दे रखा भाई, बहुत बढ़िया कंबाइंड तरीके से, तो बहुत बढ़िया तरीके की। अगर वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो, अगर चैनल नहीं किया है तो। उसके बाद आप चलते हैं थोड़ा नीचे, और उसके बाद दे रखा भाई यहाँ पे साइड में, पहले देखा पानीपत बुनकर नगरी दे रखी है, करनाल दे रखा धान का कटोरा, कैथल दे रही है कपिल नगरी, और कैथल का हमें पता होना चाहिए हनुमान की जन्मस्थली भी है। कुरुक्षेत्र दे रखी है धर्मनगरी। ठीक है, उसके बाद गुरुद्वारों का शहर भी कैथल को कहा जाता है, छोटी काशी बिकॉज ऑफ नवग्रह कुंड, नवग्रह कुंड यहाँ पर कैथल में ही है। उसके बाद है महाराजा दंडपति संस्थापक थे किसके, पानीपत के। उसके बाद जींद को दुग्ध नगरी भी कहा जाता है, फतेहाबाद को हरियाणा की पिंक सिटी कहा जाता है, वन नगरी सरस्वती नगरी सिरसा को कहा जाता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होती है कपास। सबसे कम घनत्व 303 है, जो कि किसका भाई, सिरसा का। सबसे ज्यादा घनत्व फरीदाबाद का, वो बताऊंगा मैं, 2442 के बराबर है। उसके बाद सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, भिवानी का, जिसको क्या कहते हैं मिनी क्यूबा, और छोटी काशी और हरिशार को कहते हैं स्टील सिटी। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल होगा किसका, फिलहाल में भवानी का, लेकिन अब पहले अब किसका हो गया, अब हो गया भाई सिरसा, क्योंकि इसमें से चरखी दादरी निकाल दिया गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं भाई नीचे, और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर ये याद रखना अपन, रेवाड़ी है जिसको पीतल नगरी भी हम कहते थे, वो हिसार को कहते हैं भाई स्टील नगरी और रेवाड़ी को कहते हैं पीतल नगरी, ये डिफरेंस कभी भी खत्म ना करना है। तो स्टील नगरी हिसार और पीतल नगरी रेवाड़ी। उसके बाद महेंद्रगढ़ के संस्थापक थे अंगनपाल, और जो कन्नौड़ है इसके बारे में, इसका मतलब पुराना नाम कन्नौड़ था। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या वृद्धि कहाँ गया, जज्जर, जो कि शहीदों का शहर भी कहा जाता है। उसके बाद सबसे कम क्षेत्रफल पंचकुला का, ये सॉरी फरीदाबाद का, सॉरी। सर्वाधिक घनत्व जनसंख्या भी यहीं पे है, और सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या भी यहीं पे है, सर्वाधिक महिला जनसंख्या और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, जो कि है 2442 के बराबर, वो भी फरीदाबाद के अंदर है। तो ये थे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट से, ये चलते हैं इसके इस साइड में। उसके बाद मेवात, मेवात में भाई सर्वाधिक लिंगानुपात, पिछले वाले के हिसाब से बात करें तो लिंगानुपात मेवात का सबसे ज़्यादा है, जो कि है 907 के बराबर। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है, मेवात की है, और सबसे कम पुरुष साक्षरता दर कहाँ
कहाँ की है? मेवात की है। सबसे कम महिला साक्षरता दर कहाँ की है? मेवात की है। फरीदाबाद को वायु उद्योग नगरी भी कहते हैं, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपने। उसके बाद झज्जर के संस्थापक छज्जू सेठ, रोहतक, रोहतक में संस्थापक है राजा रोहतास प्रभु रोहतक के पृथ्वीराज चौहान गोहाना, जो कि फिलहाल में सोनीपत में पड़ता है गोहाना। उसके बाद अब आसी के आशाराम जाट आसी के, और फिर आशा तुगलक भी हिसार जो कि बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद भाई नीचे का जो आ रहा है लिंक गुड़गांव का, गुड़गांव में क्या क्या है? एक तो है सबसे कम लिंगानुपात, ये आपने याद रखना, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? गुड़गांव का है। और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि भी गुड़गांव की है। और सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ की है? गुड़गांव की है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कहाँ की है? गुड़गांव की है। सर्वाधिक साक्षरता दर कितनी है? 84.70%। तो ये था भाई थोड़ा बहुत हरियाणा के बारे में ऊपर से, लेकिन आगे चलेंगे हम इसके डीप में। हर एक मंदिर हो गया, हर एक इसके शिक्षण संस्थान, मिट्टी होगी, नदियाँ होगी, इनके बारे में खुल कर बात करेंगे। 10 से 15 पेज की ये है, अगर अच्छी लगी तो वीडियो शेयर कर देना। एक बार फिर देख लेते हैं स्टार्टिंग से। क्षेत्रफल की हरियाणा में भारत का स्थान हो गया 21वां, जनसंख्या की दृष्टि से 18वां, जनसंख्या वृद्धि दर और जनसंख्या घनत्व के उससे 11वां है, लिंगानुपात में 29वां, उसके बाद 15वां साक्षरता दर में, पुरुष साक्षरता दर में 12वां है, और महिला साक्षरता दर में 18वां है। SDI इंडेक्स के हिसाब से है 17वां। और मैंने आपको देखो ये दिखा दिए हैं, इसके आप फोटो खींच लेना, चाहे भाई यू करे कर लेना, आपके काम आने वाली चीज़ है सारी की सारी। तो ये भाई सारे प्रमुख मेले हैं जो कि हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है? तो पिछली वीडियो के हिसाब से मैं 2 या 3 क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने आपके कमेंट बॉक्स में उनका आंसर देना। तो पहला तो बताना भाई आपने सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, और वो कितना है वो बताना है, ठीक है, नंबर्स में। दूसरा क्वेश्चन है हरियाणा का क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान है पूरे इंडिया में। उसका दूसरा भाई सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है, और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ की है। और दोनों एक चीज यह है, दोनों में आपने डिफ्रेंशिएट करना कि भाई पीतल नगरी और हरियाणा की स्टील सिटी। तो ये क्वेश्चन हो गया आपने जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर कमेंट बॉक्स, सॉरी डिस्क्रिप्शन ही, कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट करनी है। उसके बाद करेंगे आप अगली वीडियो, 15 एक पेज है भाई, 15 एक पेज करा दूंगा 4 या 5 दिन में, तो बढ़िया ढंग कंप्लीट हो जाएंगे अपनी। तो ये वीडियो देखना और आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। धन्यवाद। जय हिंद। अगर वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना ना जाइए। नमस्कार भाई सारे ने, तो आज करेंगे हरियाणा के प्रसिद्ध मेले। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग से मेले कराऊंगा, और बहुत बढ़िया तरीके से मानचित्रावली हरियाणा की। 2 वीडियो पहले भी हो चुकी है, तो तीसरी वीडियो तो भाई ध्यान से देखना। प्रसिद्ध मेले, मेले में तो एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हरियाणा GK में, जो कि आपने पता होगा 25 नंबर की आती है। तो हरियाणा के मेले कराऊंगा आज, ठीक है? तो भाई ध्यान से देखना। अपन स्टार्ट करेंगे आप ऊपर से, जो कि सब ऊपर जिले आप अम्बाड़ा में दे रखे हैं, अम्बाड़ा सॉरी यमुनानगर में। तो यमुनानगर में मेला है एक प्रसिद्ध है, जिसका नाम है कपाल मोचन, ठीक है? कपाल मोचन, हजरत शाह, आदि बद्री और पंचमुखी, पंचमुखी का मेला। पंचमुखी भाई मैंने पहले बताया यमुनानगर में पंचवटी पलवल के अंदर है। उसके बाद आ जाते हैं कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में एक तो लगता है सूर्य ग्रहण का मेला, दूसरा है सोमवती अमावस्या, तीसरा है देवी मेला, और चौथा है महावीर जयंती मेला। तो सूर्य ग्रहण, सोमवती अमावस्या, देवी मेला और महावीर जयंती मेला कहाँ पे है? सारे के सारे कुरुक्षेत्र के अंदर है, ठीक है? महावीर जयंती, देवी मेला, पूर्ण सूर्य ग्रहण, सोमवती अमावस्या। उसके बाद आ जाते हैं आप कैथल के अंदर। कैथल के अंदर है फल्गु का मेला, मेला पुंडरिक, मेला देहाती, बावन द्वादशी मेला कहाँ है? सारे के सारे ये कैथल के अंदर है। उसके बाद भैया अलकासा, यहाँ पर करनाल में आ जाते हैं। करनाल में है सिमरन दास बाबा की समाधि, परासर सिमरन, ये परासर और पंख देवी, पांडू मेला, पांडू मेला इंपॉर्टेंट है, अरे गुगा मेला और गुगा पीर, ये तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखने अपन है। और सिमरन दास बाबा की समाधि भी कहाँ पे है? करनाल में। उसके बाद चलते हैं भाई अलका नीचे है। तो यहाँ पर आ गया अपने पास जींद। जींद में कौन से मेले हैं? देखो हटकेश्वर है, आपने पता होगा कि भाई हटकेश्वर मंदिर भी कहाँ पे है जींद में, हटकेश्वर और एक है भूतेश्वर, तो दोनों के दोनों जींद में। तो हटकेश्वर मेला भी कहाँ पे लगता है? जींद में। उसके बाद बिलसर का मेला, राम रायहद, पांडू पिंडारा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पांडू पिंडारा, बूढ़ा बाबा,
श्याम जी, बाबा भोलूनाथ, नागदेव बेला, दमतान साहिब, नाग क्षेत्र तीर्थ और मेला सच्चा सौदा, सारे के सारे कहाँ पे हैं? कैथल के अंदर है। तो मेला सच्चा सौदा, नाग क्षेत्र तीर्थ, दमतान साहिब इम्पोर्टेंट है, मेला सच्चा सौदा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है बाबा भोलूनाथ, पांडु पिंडारा और बिलसर का और हटकेश्वर का, ये सारे के सारे भाई इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये हिसार के हैं, हिसार वाले मेले हैं काली देवी मेला और अगरसेन जयंती मेला। सिरसा के देख लेते हैं, रामदेव जी का मेला। तो रामदेव जी का मेला कहाँ पे है? सिरसा में है। बाबा भूमगता मेला, गगनौर मेला, गुरु गोविंद सिंहपुर पर्व मेला, सच्चा सौदा भी कहाँ पे है? सिरसा के अंदर है। मेला बाबा सरसाईनाथ, ये भी सिरसा के अंदर है। राधा स्वामी मेला भी सिरसा के अंदर है। उसके बाद यहाँ पे देखो भाई, करनाल का हो गया था अपना, पानीपत के देख लेते हैं। पानीपत में है माता का मेला, दुर्गाष्टमी, कलंदर की मजार और पाथरी माता। जो पाथरी माता वाला मेला भाई, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसने याद कर लेना। पाथरी माता वाला मेला कहाँ पे है? करनाल के अंदर है। तो उसके बाद आ जाता है सोनीपत में, सोनीपत है डेरा नगन बालकनाथ। उसके बाद है भाई थोड़ा ये मेला मांझी और मेला यो देवी का, सतकुंभ बाबा शमशा देवी मेला और बाबा जिंदा मेला, ये सारे के सारे हैं कहाँ पे? सोनीपत के अंदर। झज्जर में है बाबा गरीबदास मेला, श्याम जी मेला, बाबा बूढ़ा और माता भीमेश्वरी देवी, जो कि बहुत बड़ा मंदिर है झज्जर बेरी के अंदर। उसके बाद इस साइड में भिवानी में, भिवानी में है पूर्णमासी का मेला, बाबा नोगा मेला और बाबा खेड़ा का मेला, मेला मुंगीपा, मेला मुंगीपा ये इम्पोर्टेंट है, मेला मुंगीपा सती का मेला। तो ये सारे के सारे कहाँ पे? मेला मुंगीपा भिवानी के अंदर। उसके बाद रोहतक में बाबा अमरनाथ का मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा अमरनाथ का, ये बार पूछा जाता है। बाबा जमुनादास और मेला माता होला मोहल्ला कहाँ पे है? सी है रोहतक के अंदर। उसके बाद नीचे आ जाते हैं भाई, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है फरीदाबाद में, देख लेते हैं। फरीदाबाद पलवल में बराही बलदेव छठ माता, कालका उदासनाथ, फुलडोर कणुआ का और सती मेला और दादा काणा रावत मेला कहाँ पे है? फरीदाबाद या पलवल, इन दोनों में से दोनों इकट्ठे मेले हैं भाई इनके, ठीक है ये। उसके बाद रेवाड़ी में आ जाते हैं, रेवाड़ी का बाबा सूरजगिरी का, बहरू जी का तेजो भैरव बाबा को, महादेव जी, बाबा सैयद बाबा, बाबा सच्चा शाही, बाबा शोभा यात्रा और बाबा श्याम बाबा छड़ी मेला। तो ये कहाँ पे है? रिवाड़ी के अंदर है। उसके बाद है महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ में भाई देखो माता मसानी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बुद्धो माता, भैरूनाथ बाबा, बाबा सांवला दास, बाबा मोजीनाथ, दुर्गा माता, हनुमान जी, भूरा भवानी, बाबा केसरिया और बाबा बिलाई नाथ, ठीक है। तो ये सारे के सारे कहाँ पे हैं भाई? मेले महेंद्रगढ़ के अंदर है। तो उसके बाद चलते हैं पास शीतला माता मेला, जो कि कहाँ पे है? गुड़गांव के अंदर। बुद्धा माता मेला, ये भी अपना गुड़गांव के अंदर है। भक्त पूर्णमल मेला, बूढ़ी तीज, महादेवी का मेला और सा चौकी मेला और नाग पूजा। तो इसमें तो देखो भाई सबसे इम्पोर्टेंट है शीतला माता का मेला, ये बहुत बड़ा मंदिर है गुड़गांव के अंदर, इसका मेला भी बहुत बड़ा लगता है। तो ये आपसे आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये थे भाई मेला के बारे में। अगली वीडियो क्या भाई, अगला आप स्लाइड कर रहे हैं आप सारे के सारे जो भी मेन मेन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट स्टेडियम है जो कि हरियाणा के अंदर है। तो भाई जितने भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट मेले मेले कर स्टेडियम है वो करवाऊंगा इसमें, और जो भी पत्रिका इसमें लॉन्च हुई है पूरे हरियाणा में, कहाँ से कौन सी पत्रिका लॉन्च हुई और कौन से सन में हुई है, तो इस वीडियो में आपने पता लगा। तो ये वीडियो कंबाइन कर दिया मैंने दोनों की दोनों, एक तो हो गया अपनी हरियाणा के मेला की और ये हरियाणा के स्टेडियम और जो कि साहित्य की पत्रिकाएं हैं, तो उनकी तीनों की तीनों वीडियो हो गया कंबाइन। तो एक बार देख लेते हैं भाई, स्टार्टिंग से आप करते हैं पंचकूला से। तो जो पंचकूला में एक तो लॉन टेनिस का बैडमिंटन एकेडमी और लॉन टेनिस की बैडमिंटन अकेडमी और ताऊ देवीलाल स्टेडियम, सभी ने पता होगा जिनका भी हरियाणा पुलिस का फिजिकल होया था, ताऊ देवीलाल स्टेडियम में ही होया था जो कि पंचकूला के अंदर है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यमुनानगर के पर, यमुनानगर में है बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम, बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम।
उसके बाद यहाँ से भाई ब्राह्मण समाचार पत्र जो कि 1925 में यहाँ से लॉन्च होया था, तो ब्राह्मण समाचार पत्र 1925 और बिल्ड फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पे, यमुनानगर के अंदर है। उसके बाद आ जाती है कुरुक्षेत्र के ऊपर, कुरुक्षेत्र में है महिला हॉकी अकेडमी और धर्म क्षेत्र समाचार पत्र 1943 में यहाँ से लॉन्च किया गया था। उसके बाद करनाल में आ जाते हैं भाई, वो बाद में करेंगे उस साइड वाले। करनाल में देखो करण स्टेडियम और जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा नगर निगम भी करनाल ही है, तो जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा नगर निगम करनाल हो गया, और करण स्टेडियम जो कि दानवीर कर्ण के नाम से नाम पड़ा है, तो करण स्टेडियम भी कहाँ पे है भाई, करनाल के अंदर है। उसके बाद पानीपत में आ जाते हैं, पानीपत में क्या है, शिवाजी स्टेडियम है, तो पानीपत में हो गया अपना शिवाजी स्टेडियम, ठीक है। उसके बाद है सोनीपत में हॉकी व कुश्ती अकाडमी मोती लाल नेहरू स्पोर्ट्स राई स्कूल, जो कि आपने अच्छी तरह पता होगा, तो इसकी स्थापना कब हुई थी राई स्पोर्ट्स स्कूल की, 1973 में हुई थी, और नवीनतम नगर निगम है सोनीपत, ठीक है। नवीनतम नगर निगम कौन सा है, सोनीपत है, और सबसे जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा नगर निगम है अपने पास करनाल। उसके बाद आ जाते हैं फरीदाबाद के ऊपर, फरीदाबाद में निशानेबाजी अकेडमी और नाहर सिंह स्टेडियम। उसके बाद हरियाणा राज्य खेल परिसर स्पोर्ट्स स्टेडियम, ठीक है, तो नाहर सिंह स्टेडियम बनाया था 1981 में, और राज्य खेल परिसर और स्पोर्ट्स स्टेडियम भी फरीदाबाद के अंदर हैं। उसके बाद फरीदाबाद से सबसे पुरानी नगर निगम भी है फरीदाबाद, और जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है भाई, फरीदाबाद, तो सबसे पुरानी और जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटी है करनाल, और सबसे नवीनतम नगर निगम है सोनीपत, और सबसे पुरानी नगर निगम है फरीदाबाद, और जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ी नगर निगम है फरीदाबाद। उसके बाद अगली बात आती है न्यूनतम ग्राम पंचायतें, न्यूनतम ग्राम पंचायतें कहाँ पे है भाई, 116 जो कि हैं फरीदाबाद के अंदर पंचायत समिति, यहाँ पे दो जिला परिषद सदस्यों की संख्या है 10, तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है भाई ये। उसके बाद आ जाते हैं आप गुड़गांव के ऊपर, गुड़गांव में देखो जाट समाचार पत्र, कन्हैयालाल, ज्योतिष मार्तदंड और समाचार पत्र, ये सारे के सारे कहाँ से लॉन्च किए गए हैं, गुड़गांव से, और नेहरू स्टेडियम भी गुड़गांव के अंदर है, ये लिख लेना नेहरू स्टेडियम, ठीक है, नेहरू स्टेडियम अपना गुड़गांव के अंदर है। और जो दूसरा भाई जो स्टेडियम है गुड़गांव के अंदर, वो भाई ताऊ देवीलाल खेल परिसर भी है, तो ताऊ देवीलाल खेल परिसर कहाँ पे है, ये होगा गुड़गांव में, तो दो हैं नेहरू और ताऊ देवीलाल खेल परिसर, एक ताऊ देवीलाल अपना पंचकुला के अंदर भी है ताऊ देवीलाल स्टेडियम, और ये ताऊ देवीलाल खेल परिसर है, ये खेल परिसर है देवीलाल स्टेडियम, ये याद रखना अपना, देवीलाल स्टेडियम तो है ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला के अंदर, ताऊ देवीलाल खेल परिसर है गुरुग्राम के अंदर। उसके बाद आ जाते हैं भाई रेवाड़ी के ऊपर, रेवाड़ी में देखो जो समाचार पत्र लॉन्च है, एक तो भक्ति का, एक प्रभाकर, हितेशी और ज्योतिषी, ठीक है। रेवाड़ी के अंदर एक है राजीव गांधी खेल स्टेडियम कोसली, ठीक है, मैं लिख देता हूँ राजीव गांधी खेल स्टेडियम, ठीक है, तो याद रखना भाई रेवाड़ी के अंदर राजीव गांधी खेल स्टेडियम, एक दो दिन जो ऐड नहीं है ना भाई, मैं इसमें आपने ऐड करवा दूंगा, मतलब कोई बात नहीं। उसके बाद महेंद्रगढ़ के अंदर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम, जो कि नारनौल के अंदर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कि नारनौल में, ये याद भी कर सकते हैं कि भाई सुभाष महेंद्र का दोस्त है, तो ठीक है सुभाष महेंद्र का दोस्त है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम कहाँ पे हो गया अपना, महेंद्रगढ़ के अंदर हो गया। उसका देखो रोहतक का एरो आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से तो रोहतक का देखो ये भैया एरो यहाँ से यहाँ बनकर रहे नीचे, तो रोहतक में एक राजीव गांधी स्टेडियम बस स्टैंड के पास देखा भी होगा, यहाँ राजीव गांधी स्टेडियम एथलेटिक्स व बॉक्सिंग अकादमी बास्केटबॉल अकादमी जो कि किलोई में है, चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम जो कि 2006 में बनाया था, तो ये सारे के सारे कहाँ पे हैं रोहतक के अंदर हैं। भिवाणी के ऊपर आते हैं सर्वाधिक ग्राम पंचायतें पंचायत समिति और जिला परिषद दे रखे हैं, तो ये याद है सर्वाधिक ग्राम पंचायतें भिवाणी। उसके बाद भिवाणी में बॉक्सिंग क्लब और भीम सिंह स्टेडियम, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, बॉक्सिंग क्लब और भीम सिंह स्टेडियम। उसके बाद हिसार में महावीर स्टेडियम इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी महावीर स्टेडियम हिसार के अंदर याद रखना अपन। उसके बाद ऊपर सिरसा के अंदर एक इम्पोर्टेंट है जो कि है शहीद भगत सिंह स्टेडियम, ठीक है, शहीद भगत सिंह ने अपना सिर नहीं झुकाया, तो सिर से आ गया
शहीद भगत सिंह, तो भगत सिंह ने अपना सिर नहीं झुकाया तो शिक्षा से बढ़ गया शहीद भगत सिंह। उसके बाद अब हिसार के, हिसार से कौन कौन सी पत्रिका लॉन्च हुई हैं, तो हिसार से सेवक लाला हरदेव साय ने लॉन्च किया था सेवक समाचार पत्र, जो कि लाला हरदेव साय ने, और दूसरा है रंगीला मुसाफिर प्यारे लाल 1950 में, हरियाणा संदेश महेश चंद्र 1950 में लॉन्च हुआ, तो ग्राम सेवक हरदेव साय इंपॉर्टेंट है भाई, ग्राम सेवक हरदेव साय 1936 में, जो कि हिसार से लॉन्च हुआ है। ज्ञानोदय ब्रह्मानंद ने 1948 में, तो ज्ञानोदय ब्रह्मानंद, ग्राम सेवक हरदेव साय, हरियाणा संदेश महेश चंद्र, रंगीला मुसाफिर प्यारे लाल, सेवक है लाला हरदेव साय। ठीक है, तो एक तो इस ग्राम सेवक और एक सेवक, दोनों हरदेव साय, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जींद में भाई, जींद में कबड्डी स्टेडियम, ठीक है, जींद के अंदर है कबड्डी स्टेडियम, और यहाँ पर दे रखा है ऊपर 1973 के अधिनियम के खंड 2 के अनुसार राज्य में नगर पालिकाओं की 3 भाग, एक भाग एक नगर निगम, दूसरा नगर परिषद, तीसरा नगर पालिका में भी विभाजित किए गए हैं। राज्य में कुल नगर निगम 10 हैं, कुल ग्राम पंचायतें 6248 हैं, कुल पंचायत समिति 126 हैं, जिला परिषद 21 है, और जिला परिषद वार्ड हैं 416। इसमें भाई कोई अपडेट होया तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो यह थी आज की वीडियो, अगली वीडियो में और दो टॉपिक ऐड करके लाऊंगे, तो दो पेज एक दिन में कराया करूँगा ताकि जल्दी जल्दी आपकी ख़त्म हो जाए, दो तीन वीडियो और बनेंगी इस पर, वो सब सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दियो, और इस वीडियो ने शेयर कर दियो ज़्यादा ज़्यादा भैया दें वीडियो ताकि पहुँच सके। धन्यवाद, राम राम। नमस्कार बेचारे ने, तो आज करेंगे हरियाणा की झील और जो नदियों के उद्गम स्थल हैं वो सारे के सारे करेंगे। हर बार पेपर में एक क्वेश्चन भाई हरियाणा जी के में यहाँ से आता है, तो एक बार अच्छी डाले 5-7 मिनट में इस टॉपिक ने बढ़िया डाल कवर कर लेंगे। तो मानचित्रावली हरियाणा किया तो उसके हिसाब से देखेंगे। तो पहला भाई स्टार्ट करते हैं आप, जो घग्गर नदी जाती है, घग्गर नदी का उद्गम जो स्थल है वो है डोगशाही। ठीक है, तो हमने याद रखना कि घग्गर नदी का जो उद्गम स्थल हमारे पास वो है डोगशाही। उसके बाद घग्गर के बाद आती है टांगड़ी। इनको देखो भाई, याद करने का तरीका है घटा मास, घटा मास, घग्गर, टांगड़ी, मारकंडा, सरस्वती, अनिचा, पनापता, यमुना है, जो कि हरियाणा की और यमुनानगर हरियाणा की और यूपी की सीमा पे बहती है, मतलब हरियाणा को और यमुनानगर को अलग करती है। उसके बाद टांगड़ी नदी है, टांगड़ी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है मोरनी की पहाड़ियों से, और जो मारकंडा नदी है उसका भी उद्गम स्थल है मोरनी की पहाड़ियों से। उसके बाद आती है सरस्वती नदी, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है आदिबद्री से, और यमुना नदी का उद्गम स्थल है बिल्कुल आसान है यमुनोत्री से। ठीक है, यमुनोत्री उत्तराखंड में से। पहले तो आप नदियाँ की बात करेंगे, उसके बाद झील पर जाएंगे। तो ये हो गया भाई अपने पास इम्पोर्टेंट, तो इसमें तो क्लियर दिखाने रखा है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई टांगड़ी और मारकंडा नदी कहाँ पर मिलती हैं, तो भाई ये मुलाणा में मिलती हैं। ठीक है, ये बीच, ये दोनों की दोनों बीच वाली नदी टांगड़ी और मारकंडा नदी यहाँ पर मुलाणा में कहीं पर मिलती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भैया टांगड़ी और मारकंडा नदी कहाँ पे संगम होता है, कहाँ पे मिलती है, तो ये मुलाणा के में मिलती हैं। उसके बाद देखो ये यहाँ लिखा रखा है मुलाणा। उसके बाद एक और जो संगम होता हुआ है घग्गर नदी का और सरस्वती नदी का, वो कहाँ होता है, पंजाब के संगरूर जिले में। एक तो सम ऊपरली कौन सी है यार, घग्गर नदी और सरस्वती नदी, घग्गर सरस्वती नदी कहाँ मिलती है, पंजाब के संगरूर में, और टांगड़ी और मारकंडा मिलती हैं मुलाणा में, समझ गए भाई। तो ये हो गया अपनी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नदी जो कि थी नॉर्थ की। उसके बाद यमुना है भाई, यमुना यहाँ पे इसकी देख लो आप, यमुना नगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, ये दिल्ली में होते हैं, फरीदाबाद में, फिर फरीदाबाद के बाद ये बाहर निकल जाती है हरियाणा से। ठीक है, तो ये थे अपनी यमुना। यमुना के जो बाढ़ के मैदान हैं वो होते हैं बेट, और जग घग्गर के बाढ़ के मैदान कहलाते हैं नाली। ठीक है, बेट व नाली, बेट होते हैं यमुना के बाढ़ के मैदान, और नाली होते हैं घग्गर के बाढ़ के मैदान। तो उसके बाद चलते हैं भाई नीचे वाली पे, कृष्णावती नदी इम्पोर्टेंट है। तो जो साउथ में एक तो कृष्णावती नदी है, इसका उद्गम स्थल है जो है वो जयपुर राजस्थान की पहाड़ियों से, जयपुर राजस्थान की पहाड़ियों से है कृष्णावती का उद्गम स्थल। उसके बाद दोहन डोसी की पहाड़ियों से, इंदौरी नदी जो कि राजस्थान के इंदौरी गांव में अरावली की पहाड़ियों से। उसके बाद यहाँ से आती है साहिबी नदी,
मोहनपुर, जीतगढ़ राजस्थान से जो नजफगढ़ नाले में गिरती है, भाई देखो नजफगढ़ नाले में मिलती है साहिबी नदी, और साहिबी नदी पे एक बांध बनाया हुआ है मसानी बैराज, मसानी बैराज बनाया हुआ है साहिबी नदी के ऊपर। और जो ये बांध है मसानी बैराज भाई रेवाड़ी में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये बनाया गया 1977 में बनाया गया था, दिल्ली में बाढ़ आई थी इसके कारण, साहिबी नदी के कारण 1977 में दिल्ली में बाढ़ आई थी, तो इस पे एक बांध बनाया था जिसका नाम है मसानी बैराज, जो कि रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। उसके बाद अगला है अपने पास, अगला एक बार पूछ लेता भाई कि भाई जो इंदौरी नदी है और साहिबी, भाई कौन कौन सी नदी मिलती है, तो भाई इंदौरी नदी और साहिबी नदी मिलती हैं। तो भाई पटौदी नामक एक जगह है जहाँ पे साहिबी और इंदौरी नदी दोनों की दोनों मिलती है, तो आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा ये दोनों मिल रही हैं, तो यहाँ पे पटौदी के अंदर ये दोनों की दोनों नदियाँ मिलती हैं। तो ये होगी भाई हरियाणा की जो जो इम्पोर्टेंट नदी थी, तो भाई कृष्णावती नदी है जयपुर राजस्थान की पहाड़ियों से, उसके बाद दो नदी है ढोसी की पहाड़ियों से, इंदौरी नदी है राजस्थान के इंदौरी गाँव में अरावली की पहाड़ियों से, ठीक है, इंदौरी गाँव में राजस्थान में गाँव है इंदौरी, उसमें अरावली की पहाड़ियों से, और जो साहिबी नदी है मोहनपुर जीतगढ़ राजस्थान। उसके बाद चलते हैं आप इम्पोर्टेंट जो भी लेक्स हैं, लेक्स ऊपर से स्टार्ट करेंगे। तो देखो भाई ब्रह्म सरोवर और सन्नहित झील, जो सन्नहित तीर्थ है, दोनों के दोनों कुरुक्षेत्र में हमने पता है। उसके बाद अगली है यमुनानगर के अंदर, यमुना के अंदर है हथनी कुंड, और हथनी कुंड बैराज के नाम से यहाँ पर एक बांध भी है, सॉरी। तो हथनी कुंड कहाँ पर होगा भाई, जो झील है ये यमुनानगर के अंदर होगी। उसके बाद करनाल में इम्पोर्टेंट एक है करण झील, ठीक है, कर्ण झील करनाल के अंदर है। उसके बाद रोहतक के अंदर है तिलियार झील, और फरीदाबाद के अंदर है बड़खल झील, जिसका स्थापना हुई थी 1947 में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, 1947 के अंदर होगी बड़खल झील की, 1947 में हुई थी स्थापना। उसके बाद गुड़गांव की है, एक तो सूरजकुंड झील है, दूसरी है भाई दमदमा झील, सुल्तानपुर, खलीलपुर और गर्म पानी के सोसे, जो इसमें भाई दमदमा झील है सबसे बड़ी झील है 3000 एकड़ में, पूरे हरियाणा की सबसे बड़ी झील है दमदमा झील 3000 एकड़ में इसकी फैली हुई है। उसके बाद इस साइड में आ जाते हैं कुणसा, जो मेवात में है, मेवात में कोटला झील, संगेल झील और चंदेला झील, चंदेला झील, संगेल झील और कोटला झील कहाँ पे भाई, मेवात में। देखो यहाँ पे अगर गुड़गांव में आप बिचलोगे तो एक में बिचल सकते हो, ये है सूरजकुंड, तो सूरजकुंड का जो मेला है वो लगता है भाई कहाँ पे, फरीदाबाद के अंदर, लेकिन इसकी जो झील है वो कहाँ पे है, गुड़गांव के अंदर। तो सूरजकुंड झील सूरजपाल तोमर के नाम से बनाई गई है, तो सूरजकुंड झील कहाँ पे है, गुड़गांव के अंदर। उसके बाद आगे चलते हैं आप झज्जर की जो झील है, झज्जर की है भिंडावास झील व मेवन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र घोषित किया गया 1985 में, तो भिंडावास एक इम्पोर्टेंट है जो की है अपने पास झज्जर। उसके बाद ये लास्ट है भाई, लास्ट अपने पास किसकी है, हिसार की है, जो की है ब्लूबर्ड झील, हिसार की हमारे पास कौन सी झील है, ब्लूबर्ड झील। तो ये थे भाई इम्पोर्टेंट तो दिया और वह झीलें। अगर वीडियो बढ़िया लगी तो छोटी सी वीडियो बनाई और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, धन्यवाद। राम राम हिसारे ने। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, जो कि आपने दिख रहा होगा स्क्रीन पर, क्या करने वाले हैं भाई, वो करने वाले हैं आप हरियाणा के जितने प्रसिद्ध मंदिर हैं, तो उनकी एक मैप मैं लेकर आया हूँ भाई, मैं आपके सामने, तो बहुत बढ़िया मैप है और आप देखोगे तो भाई आपने बिल्कुल देखते याद हो जाएंगे। तो बढ़िया काल मेरे साथ बने रहना, एक एक जिले का आप बढ़िया मंदिर करेंगे सारे के सारे, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे ऊपर हमारे पास पंचकूला, जो कि ठीक है सेकंड नंबर पर छोटा है, सब में छोटा है फरीदाबाद। तो पंचकूला के बारे में आप मंदिरा के बारे में देखेंगे, तो पहला मेन मंदिर है पंचकूला का, जो कि है मनसा देवी मंदिर, आपको दिख भी रहा होगा मनसा देवी मंदिर, जो कि है पंचकूला में। दूसरा है काली माता मंदिर, कहाँ पे है, पंचकूला में। तीसरा है गुरु मांझी साहिब गुरुद्वारा, इसमें देखो भाई मंदिर भी है और गुरुद्वारे भी हैं। पिंजौर नाड़ा साहब गुरुद्वारा इम्पोर्टेंट है, हरियाणा पुलिस का जो पेपर दे के आए थे और फिजिकल दे के आए थे पंचकूला में, उन्हें पता भी होगा कि नाड़ा साहब वह रुके थे। तो ये चार हो गए भाई, चार या पाँच मेन हो गए पंचकूला के। उसके बाद आप इससे नीचे आ जाते हैं अम्बाड़ा के ऊपर, अम्बाड़ा के कौन कौन से, एक तो अम्बाड़ा में गुरुद्वारा मंझी साहिब और सूरजकुंड गुरुद्वारा अम्बाड़ा के अंदर है, सूरजकुंड गुरुद्वारा और गुरुद्वारा मांझी साहिब है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आप चलते हैं भाई यहाँ पर
अम्बाला हो गया, पंचकूला हो गया, यमुनानगर में आ जाते हैं। यमुनानगर में देखो एक तो चिट्टा मंदिर है, चिट्टा मंदिर भाई हनुमान का मंदिर है जिसमें भाई, ठीक है, चिट्टा मंदिर हनुमान का मंदिर। उसके बाद है भगवान परशुराम का मंदिर, भगवान परशुराम का मंदिर। अगला है सरोधर्म मंदिर जगाधरी जो कि यमुनानगर के अंदर है। आदिबद्री नारायण मंदिर जो कि आदिबद्री आपन पता होगा दो या तीन नदी वहाँ से निकलती हैं, टांगड़ी मारकंडा, ठीक है, और सरस्वती नदी भी आदिबद्री से निकलती है। मेन तो है भाई सरस्वती नदी आदिबद्री से निकलती है और जो टांगरी और वो जो दूसरी है मारकंडा व मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। तो आदिबद्री नारायण मंदिर कहाँ पे सिचुएटेड है, यमुनानगर के अंदर बिलासपुर, ठीक है। उसके बाद पंचमुखी, पंचमुखी मंदिर भी यमुनानगर के अंदर है और पंचवटी मैंने पहले बताया था यमुना सॉरी पलवल के अंदर है, पंचवटी और पंचमुखी है यमुनानगर के अंदर। पंचमकालीन जैन मंदिर यमुनानगर के अंदर है। गुरुद्वारा कपाल मोचन और जिसको नाम है सोमसर मोचन, ठीक है, गोपाल मोचन या सोमसर मोचन और या गोपाल मोचन भी इसको कह देते हैं। तो ये सारे के सारे यमुनानगर के हो गए। तो अपना भाई पंचकूला हो गया, अम्बाड़ा क्लियर हो गया, यमुनानगर हो गया। अब चलते हैं अपना कुरुक्षेत्र के ऊपर। कुरुक्षेत्र के अंदर अपना लक्ष्मी नारायण मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मी नारायण मंदिर NH 44 पे सिचुएटेड है। उसके बाद स्थानेश्वर महादेव मंदिर, देवीकूप, भद्रकाली, उसके बाद दुख भंजनेश्वर, सर्वेश्वर महादेव, बिरला मंदिर इम्पोर्टेंट, अदिति का मंदिर, गुरुद्वारा छठी पातशाही, गुरुद्वारा नौवीं पातशाही जो कि गुरु तेग बहादुर के गुरुद्वारा नौवीं पातशाही है ये गुरुद्वारा तेग बहादुर द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद राजघाट गुरुद्वारा, ये सारे के सारे कहाँ पे हैं भाई कुरुक्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद कुरुक्षेत्र भी हो गया अपने पास, पंचकूला भी हो गया। यहाँ पर आ जाते हैं आप कैथल के पे, कैथल का टेबल है ये सबसे ऊपर। 11 रुद्री शिव मंदिर, उसके बाद है हनुमान का मंदिर, अंबकेश्वर मंदिर, गीता मंदिर, राधेश्याम मंदिर, पुराना शिव मंदिर, शिव पार्वती मंदिर, प्राचीन ईंटों का मंदिर, गुरुद्वारा नानक देव जी और गुरुद्वारा नीम साहिब भी कैथल में और गुरुद्वारा मंजी साहिब भी कैथल में। गुरुद्वारे को मांझी साहिब कहाँ था, मांझी साहिब था अपना अम्बाड़ा में, लेकिन जो मंजी साहिब है वो कहाँ पर अपना कैथल के अंदर है, ठीक है। अंबकेश्वर भी कहाँ पे है, कैथल के अंदर है, लेकिन दुख भंजनेश्वर कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। उसके बाद आ जाते हैं भाई आप जींद के ऊपर, जींद का टेबल जा रहा है यहाँ से यहाँ पे, यो रहा भूतेश्वर मंदिर, उसके बाद है रानी का तालाब, जीतगिरी तीर्थ और धमतान साहिब, धमतान साहिब, धमतान साहिब भूतेश्वर मंदिर इंपॉर्टेंट है। एक और मंदिर है यहाँ पे कि नाम उसका हटकेश्वर, तो यो भी आपने याद आना। तो हटकेश्वर मंदिर भी कहाँ पर हो गया, जींद के अंदर हो गया। उसके बाद यहाँ पर सिरसा के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा और गुरुद्वारा चिल्ला साहिब, ठीक है, गुरुद्वारा चिल्ला साहिब। तो ये अपने इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ऊपर जो एरिया के थे वो अपने हो गए हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं भाई आप आ जाते हैं करनाल के अंदर। करनाल में गुरुद्वारा मांझी साहिब, देखो गुरुद्वारा मांझी साहिब अम्बाड़ा में भी यहाँ पे है, अम्बाड़ा में है गुरुद्वारा मंजी साहिब, मांझी साहिब, और जो कैथल में है गुरुद्वारा मंजी साहिब है। तो ये तीनों के तीनों अपने ध्यान में रखने हैं, ये हो गया करनाल का। उसके बाद चलते हैं भाई पानीपत के ऊपर। पानीपत में क्या है, देवी तालाब मंदिर और सिद्ध शिवी शनि धाम। देवी तालाब मंदिर पानीपत के अंदर है और रानी का तालाब है एक भाई, रानी का तालाब कहाँ पे है, जींद के अंदर, रानी का तालाब। और नवग्रह कुंड है कैथल के अंदर जो कि छोटी काशी भी कहलाती है। उसके बाद सोनीपत में आ जाते हैं, सोनीपत में है गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, ठीक है, इसके अंदर एक ही है इंपॉर्टेंट। उसके बाद रोहतक के अंदर गुरुद्वारा सॉरी ठाकुर द्वारा भगवान परशुराम मंदिर, शिव मंदिर किलोई में है, बहुत बड़ा मंदिर है भाई ये याद रखना, साईं बाबा मंदिर, ठीक है, कलावड़ के अंदर है, गुरुद्वारा बंगला साहिब और गुरुद्वारा लाखन माजरा, लाखन माजरा अपन पता होगा गाँव है रोहतक के अंदर, तो ये अपन इसे याद रखना है। उसके बाद अपन नीचे से ऊपर जाएंगे फिर पलवल में आ जाते हैं। पलवल में क्या भाई, पंचवटी है, देखो मैंने बता रहा यमुनानगर में पंचमुखी है लेकिन पलवल में क्या है, पंचवटी, द्रौपदी घाट, दाऊ जी का मंदिर भी पलवल के अंदर है। दाऊ जी का मंदिर बना देता हूँ भाई, बलराम या बलराम के ऊपर वो है ये, मतलब इसके ऊपर कहानी घूमती है, बलराम के द्वारा बनाया गया था, बलराम के लिए बनाया गया था, तो बलराम याद रखना भाई अगर दाऊ जी का मंदिर आ जाओ तो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना गुड़गांव के, जब गुड़गांव में शीतला माता मंदिर है, गुरुद्वारा सी सिंह सभा सोना। उसके बाद रेवाड़ी घंटेश्वर जो कि पीतल नगरी भी
कहते हैं, ठीक है। पीतल नगरी, रेवाड़ी, स्टील सिटी, हिसार, हनुमान मंदिर भी रेवाड़ी के अंदर। तो उसके बाद महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ में शिव मंदिर भागवत, चामुंडा मंदिर नारनौल में चामुंडा देवी, गुरुद्वारा गुरु दशम खां नारनौल, और गुरुद्वारा श्री गुरु गुरु सिंह सभा जो कि नारनौल में है। उसके बाद ऊपर आ जाते हैं भाई अपा जज्जर पे, कुत्तानी का ठाकुर द्वारा। देखो एक ठाकुर द्वारा भगवान परशुराम रोहतक में था, लेकिन ठाकुर द्वारा कुत्तानी का ये सारा का सारा जज्जर में है। भीमेश्वरी देवी का मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है भाई, भीमेश्वरी जो कि बेरी में है। डिगल गाँव का शिवालय जज्जर में, क्योंकि डिगल गाँव जज्जर के अंदर है। बेरी का रूडवाल मंदिर तो ये भी कहाँ पे है, जज्जर के अंदर। हिसार के पास जाते हैं, हिसार में है भाई देवी भवन, अग्रवा धाम, आर्य समाज मंदिर, क्योंकि आर्य देखो भाई यहाँ पे आए थे। और बता देता हूँ 1886 में आर्य समाज की स्थापना की थी हिसार में, किसने की थी, लाला लाजपत राय ने। तुमने ये याद रखना, लाला लाजपत राय ने आर्य समाज की 1886 में हिसार में स्थापना की थी। और जो अपने थे दयानंद सरस्वती, उन्होंने 1880 में रेवाड़ी में स्थापना की थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। दिगंबर जैन मंदिर हिसार के अंदर है, बिश्नोई मंदिर, सेंट थॉमस चर्च भी हिसार के अंदर है, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा नगोरा गेट हिसार के अंदर है। तो थॉमस चर्च, सेंट थॉमस चर्च अपने याद रखना है, हिसार के अंदर है। तो ये थे भाई इंपॉर्टेंट सारे के सारे मंदिर, जो कि आपने पता थोड़ी देर में हो गया आपके कवर, जो कि लगभग कि 8 मिनट 12 सेकंड की वीडियो में कंप्लीट होने जा रही हैं। तो भाई ये थे इंपॉर्टेंट मंदिर। अगर वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, दिन में 2 वीडियो लाया करूँगा इस मानचित्रावली के ऊपर, इस तरह के सारे कवर टॉपिक कवर हो जाएंगे। यार इसकी प्ले लिस्ट में एक प्ले लिस्ट बना दूंगा कि भाई हरियाणा जिक्की की मानचित्रावली, अगर आप 10 या 9 वीडियो बनेंगे अगर वह देख लेते हो तो भाई मोर देन एनफ है। अगर आप मंदिर, क्योंकि मंदिर इसमें सारे के सारे एक पेज पर आ गए। धन्यवाद, जय हिंद। राम भाईचारण, तो आज करेंगे हरियाणा मानचित्रावली का, हरियाणा के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनके बारे में एक बार देखेंगे भाई, जो भी सारे के सारे इम्पोर्टेंट है वह सारे आपके आगे लेकर आया हूँ। तो भाई ध्यान तो देखना, शिक्षण संस्थान करने वाले हैं सारे के सारे इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन इससे आई बार पूछा जाता है हरियाणा जीके के टॉपिक से। तो भाई आपने ये ध्यान से देखनी है, ठीक है। तो शिक्षण संस्थान का टॉपिक है, स्टार्टिंग करेंगे आप अपना अंबाला से, जो कि पंचकुला के बिल्कुल नीचे है और जिसको मिक्सी सिटी भी कहा जाता है। तो अंबाला से स्टार्ट कर रहे हैं, महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, जो कि आपको पता होगा बहुत फेमस है यहाँ का। तो महर्षि मार्कंडेश्वर पंच अंबाला में मशहूर है, और इसकी स्थापना भी याद रखनी है अपन ने, स्थापना कब हुई थी इसकी भाई, 2009 में हुई थी, जो कि अभी ज्यादा साल नहीं हुए। तो महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय अंबाला के अंदर है और 2009 के अंदर इसकी स्थापना हुई है। उसके बाद ही साइड में ऊपर देख लेते हैं भाई, उसके बाद कुरुक्षेत्र का देखते हैं भाई, कुरुक्षेत्र की रुझारी साइड में आप। तो कुरुक्षेत्र में पहला राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि 2002 में खोला गया है, उसके बाद है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, प्रथम विश्वविद्यालय 1956 में खोला गया था भाई, इसकी जो उद्घाटन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो ये अपने याद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1956 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, जो कि अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। उसके बाद चलते हैं जनसंचार व मीडिया तकनीक संस्थान आकाश, उसके बाद पहला जनसंचार व मीडिया तकनीकी संस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी भाई कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र के अंदर है, आकाशवाणी केंद्र जो कि 1991 में कुरुक्षेत्र में खोला गया था। सबसे पहला है रोहतक में, वो भी अब आगे आएगा, ठीक है। सबसे पहला आकाशवाणी है रोहतक में 1976 में, और जो सबसे दूरदर्शन है वो है हिसार में 2002 में सुषमा स्वराज के द्वारा, जिसका इनॉग्रेशन किया गया था। तो ये तो कि भाई कुरुक्षेत्र के जनसंचार मीडिया तकनीकी एक बार फिर व्यस्त करते हैं, आकाशवाणी केंद्र 1991 में, उसके बाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान 2002 में, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय सबसे इम्पोर्टेंट 1956 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे उनके द्वारा खोला गया था। उसके बाद आ जाते हैं करनाल में, करनाल के उसके बाद करेंगे कैथरगा। तो करनाल में भाई देखो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान 1955 में, जिसका नाम NDRI भी है भाई, एशिया में पहले नंबर पे है। तो यह भाई चीज आपने याद रखनी थी, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान 1955 में कहाँ पे,
करनाल के अंदर मेन चीज है। उसके बाद गेहूं अनुसंधान निदेशालय 1978 के अंदर गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पे है, करनाल के अंदर है। 1978 में इसका इनॉग्रेशन किया गया था और एनडीआरआई का किया गया था 1955। देखो गेहूं वाले का याद रहना रहो भाई, एनडीआरआई वाले की डेट जरूर याद रखना, आपका बहुत काम आओगी पेपर में। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ये भी कहाँ पे है, करनाल में। इसकी डेट रखो या ना रखो कोई जरूरी नहीं इतनी। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान 1984। केंद्रीय मृदा भाई मिट्टी को कहते हैं, मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान तो ये भी करनाल के अंदर है 1969 में। गेहूं अनुसंधान निदेशालय तो 1978 में योगी खोला गया था। पुलिस अकेडमी मधुबन 1973 में। इग्नू क्षेत्रीय विश्वविद्यालय 1991 में, ठीक है, इग्नू क्षेत्रीय विश्वविद्यालय 1991 में। उसके बाद पुलिस अकेडमी मधुबन 1973, गेहूं अनुसंधान संस्थान 1978 में, और ये गेहूं अनुसंधान निदेशालय भी वैसे में है दोनों चीज, ये दो बार इसमें प्रिंट कर रखा है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान 1969 में, और उसके बाद ये राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संस्थान 1984 में, और एनडीआरआई अपनी 1955 में। तो ये अपन भाई याद रखना है, और पशु अनुवंशिक संस्थान 1985 के अंदर। तो एनडीआरआई में एक इसमें और एक ये अपना केंद्रीय मृदा लवणता और एक गेहूं अनुसंधान निदेशालय 1978 में 1969 के अंदर। उसके बाद चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय 2003 में, देवीलाल की भाई जो भी फैमिली है सारी सिरसा से बिलोंग करती है, तो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय भी कहाँ पे है, सिरसा के अंदर है। उसके बाद है नीलम, देखो एल आर है भाई, नल कैथल में भी एल आता है, के ए आई टी एच ए एल, तो एल एल से कनेक्ट कर लेंगे। नीलम विश्वविद्यालय कहाँ पे है, कैथल के अंदर है। तो नीलम विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना कब हुई थी, 2011 के अंदर, नीलम की 2011 के अंदर। डबल एल है इस तरह भाई, दो एक के याद रख लो, जो इसने एल मान लो दो जो एक एक के है। तो नीलम की कब हुई है इनॉग्रेशन, मतलब कब स्थापना हुई है नीलम कैथल की 2011 के अंडर। भाई मैं दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ ताकि भाई आपने ये याद हो जाए। उसके बाद इम्पोर्टेंट सोनीपत के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय 2012। उसके बाद है निफ्टम, वहां पे देखो नीलम था एन आई डबल एल एल एम कैथल के अंदर, यहाँ पे है एन आई एफ टी ई एम। उसके बाद भाई निफ्टम की फुल फॉर्म बताता हूँ, निफ्टम की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप होती है भाई लघु उद्योगों के बारे में, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। तो ये होगी निफ्टम की। टीआर है सोनीपत में भी टीआर, तो निफ्टम कहाँ पे हो गया, सोनीपत में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड मतलब एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट में। तो ये कहाँ पे होगी भाई, सोनीपत में। 2012 में इसकी इनॉग्रेशन हुई थी, मतलब खोली गई थी। उसके बाद अगले दीन बंधु छोटू राम विश्वविद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, मुरथल के अंदर है भाई ये, और इसकी इनॉग्रेशन कब हुई थी 1987 के अंदर। उसके बाद है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय 2006 के अंदर। उसके बाद ओपी जिंदल विश्वविद्यालय 2009 के अंदर, 2009 के अंदर भाई महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी भी 2009 के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद है केंद्रीय प्लास्टिक अभिनियंत्रण संस्थान, तो केंद्रीय प्लास्टिक अभिनियंत्रण संस्थान भी अपना सोनीपत के अंदर है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी एवं प्रबंधन संस्थान, भारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान, दोनों के दोनों भी कहाँ पे है, सोनीपत में। और आपको पता होना चाहिए भाई खुम्भी जो की होती है मशरूम, वो भी सबसे ज्यादा सोनीपत में ही उगाई जाती है। थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया लेकिन बस मन मारा था तो इसलिए बता दिया। उसके बाद चलते हैं झज्जर पर, झज्जर की है जगन्नाथ विश्वविद्यालय जो कि 2010 में, जगन्नाथ झज्जर में, जे जे तो याद रख लो, जगन्नाथ झज्जर 2010, जगन्नाथ झज्जर 2010। केंद्रीय संस्थान एम्स भाटसा, प्रस्तावित रेडिएशन सुरक्षा दक्षता संस्थान, तो कैंसर संस्थान जो कि एम्स भाटसा में है, तो वो भी कहाँ पे है भाई, झज्जर के अंदर है। इसका क्वेश्चन आपका इसमें करंट अफेयर्स में भी देखने को मिल सकता है आपने। आवनिंग सुरक्षा दक्षता संस्थान, सोलर ऑफ एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी सिस्टम, ये सारे सारे भाई ये सोलर ऑफ एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी सिस्टम जसोर खेड़ी झज्जर के अंदर है। तो जगन्नाथ विश्वविद्यालय कैंसर संस्थान, ठीक है, ये मेन मेन आगे। उसके बाद सोलर एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी सिस्टम जसोर खेड़ी
कहाँ पे, झज्जर के अंदर। उसके बाद पलवल का भाई एक एमवीएन विश्वविद्यालय कहाँ पे है, पलवल में। तो कई यार भाई इसकी फुल फॉर्म नहीं पता होगी, जो पलवल के मुन्ना जरूर दे रहा होगी। तो एमवीएन की जो फुल फॉर्म है वो है मॉडर्न विद्या निकेतन। तो यहाँ पे लिख देता हूं भाई, तो जो एमवीएन के अपने पास फुल फॉर्म है मॉडर्न विद्या निकेतन, तो याद रखनी, तो मॉडर्न विद्या निकेतन भी आ जाए या एमवीएन आ जाए तो हमने याद रखना कि ये कहाँ पे है भाई, पलवल में, और 2012 में एस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद चलते हैं अपन नीचे थोड़ा और हल्का, फरीदाबाद के, फरीदाबाद के देखो भाई, मानव रचना विश्वविद्यालय 2008, लिंगया विश्वविद्यालय 2009 में एस्टेब्लिश हुआ था। राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान 1988 में फरीदाबाद में, YMCA विश्वविद्यालय 2009। तो भाई जो YMCA का नाम भी बदल दिया गया है, फिलहाल में जगदीश चंद्र बोस के नाम से यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया गया है। तो YMCA जगदीश चंद्र बोस को इसी जाओ तो आपने पता होना चाहिए दोनों की दोनों कहाँ पे है, फरीदाबाद में, और 2009 में एस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद मानव रचना अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय लिंगया विश्वविद्यालय 2009, राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान। तो भाई देखो दोबारा इसलिए बता रहा हूँ ताकि भाई आपने याद हो जाए, और कोई भी रीजन नहीं है इसमें, उन्हें अभी मैंने वीडियो लंबी खींचनी है, बस ये आपको भाई दोबारा बोल रहे हैं तो आपके माइंड में चीज रिवाइज होती है, रिवाइज होंगी तो भाई आपके माइंड में वहां पर चार ऑप्शन दिखेंगे तो आपका एकदम माइंड में वहां तक कट देना हो जाए कि भाई हाँ यू मैंने उस टाइम पर 2-3 बार बोल रहा था तो मुझको आता है। उसके बाद मेवात में देखते हैं, मेवात में हसन खां मेवाती राजकीय विश्वविद्यालय, हसन खां मेवाती राजकीय विश्वविद्यालय कहाँ पे। देखो इसमें तो मेवाती नाम ही आ गया तो मेवात में, सीधी सी बात है। मेवात की स्थापना कब हुई, 2005 में, पलवल की कब हुई थी 2008 में, तो ये भी पता होना चाहिए अपन। उसके बाद है गुड़गांव, गुड़गांव में देखो जीडी गोयन का विश्वविद्यालय, अंसल विश्वविद्यालय 2012 में, भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कैबिनेट संस्कृति 2010, ये कोई जुड़ी नहीं है, भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुड़गांव के अंदर। एपीजे सत्या विश्वविद्यालय 2010 के अंदर कहाँ पे, गुड़गांव में। आईटीएम विश्वविद्यालय गुड़गांव में, अमिटी विश्वविद्यालय जो कि इंपॉर्टेंट है 2010 में एस्टेब्लिश हुई है गुड़गांव के अंदर। राष्ट्रीय ब्रेन शोध केंद्र कहाँ पे, मानेसर के अंदर है, जो कि कहाँ पे पड़ता है, गुड़गांव के अंदर पड़ता है भाई, ठीक है। तो आप चलते हैं पापा महेंद्रगढ़ के बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि जंतपाली 2009 में, तो सबसे पहला विश्वविद्यालय था भाई केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पे, महेंद्रगढ़ के अंदर, इस टाइप में भी आपसे पूछ सकता है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय जंतपाली 2009 में कहाँ पे, महेंद्रगढ़ में खोला गया। उसके बाद हल्का ऊपर देखो भाई, ये नीचे आ रही है रोहतक यूनिवर्सिटी, ये यहाँ पर आ रही है, तो ये सारी की सारी आ रही है रोहतक की। तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो कि एमडी बहुत इंपॉर्टेंट है, दो ये है भाई भी इंपॉर्टेंट, देखो एक तो चौधरी चरण सिंह हिसार की, दूसरी अपनी पहली पे तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, मैं एमडीयू है और चौधरी चरण सिंह है, तो ये तीन यूनिवर्सिटी तो ऐसी भाई इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी 1976 में एस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है रोहतक की बाबा मसनाथ विश्वविद्यालय जो कि 2012 में इनॉग्रेट किया गया था, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बहुत बड़ी चीज है भाई, उबार के टाइम पर लाई गई थी। तो 2009 में IIM रोहतक के अंदर आया था जो कि सुनारिया गांव के अंदर है, सुनारिया गांव के अंदर है IIM जो कि 2009 के अंदर रोहतक के, हरियाणा के रोहतक शहर में आया था। उसके बाद पंडित बीडी शर्मा विश्वविद्यालय 2008 में, बीडी का मतलब है पंडित भगवत दयाल शर्मा जो कि अपने प्रथम सीएम भी रह चुके हैं, तो पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय 2008 के अंदर रोहतक में। राष्ट्रीय अगला अपने पास राष्ट्रीय फिल्म व टेलीविजन संस्थान, ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म व टेलीविजन संस्थान तो यही के है भाई, और आपको पता होना चाहिए भाई दो अशोक गई है, एक तो अशोक गई है और एक दूसरा नंबर दावर गई है, तो वो भी फिल्म निर्माता है, वह विरोध तक से बिलोंग करती है। तीसरा राजकीय फैशन डिजाइनिंग संस्थान रोहतक के अंदर, राज्य फाइन आर्ट संस्थान, राज्य व्यवसायिक महिला शिक्षा संस्थान, आकाशवाणी रोहतक, इंपोर्टेंट है भाई देखो आकाशवाणी रोहतक 8 मई 1976 में सबसे पहली आकाशवाणी कहां पे थी, ये रोहतक के अंदर थी भाई, ठीक है। तो उसके बाद दूसरी थी कुरुक्षेत्र में 1991 में, तीसरी थी 1999 में कहां पे, हिसार के अंदर। उसके बाद 2002 में आया था दूरदर्शन जो कि हिसार के अंदर आया था, और उसका ओपनिंग करी थी सुषमा स्वराज ने, उस टाइम पे सुषमा स्वराज थी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं भाई आप केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसके बाद भिवानी के रह गए, भिवानी में क्या है
हरियाणा शिक्षा बोर्ड जो कि भिवानी बोर्ड है 1981 में स्थापित किया गया था। हरियाणा ओपन बोर्ड 1994 और चौधरी बंसीलाल, बंसीलाल कहाँ के थे, भिवानी के। तो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय 2013 में स्टेब्लिश हुआ, तो कहाँ पे, भिवानी के अंदर है। देखो भाई के यू किरुस्तर यूनिवर्सिटी है 1956, उसके बाद एम डी यू है 1976 में, बाद ही 56 में या 76 में, बंसीलाल 2013, और हरियाणा शिक्षा विद्यालय जो कि भिवानी बोर्ड भी कह देते हैं 1981 में आया था। उसके बाद आते हैं भाई हिसार पे, हिसार की बहुत बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है। डेट याद रखने अपन, पहली आई गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय जो कि कहाँ पे हिसार में इंपॉर्टेंट है, जो कि 1995 में एस्टेब्लिश हुआ था। लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय 2011 में, लाला लाजपत राय हिसार में राजकीय भैंस अनुसंधान केंद्र 1985 में हिसार के अंदर। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय 1970 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1956 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, 1970 में चौधरी चरण सिंह, और 1976 में होगी एम डी यू, समझ गए, एम डी यू 76 में, 70 में होगी भाई चौधरी चरण सिंह, और क्या नाम है 56 में होगी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। और मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी जो कि अम्बाड़ा में वो है अपनी 2009 के अंदर, और एम उसके बाद है एक बाबा मस्तनाथ जो कि 2012 में एस्टेब्लिश हुई थी। अगला है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, ये भी हिसार के अंदर, राष्ट्रीय भेड़ भेड़ ये अश्व और भाई पशुधन फार्म प्रजनन केंद्र हरियाणा, टीका संस्थान महाराजा अग्रसेन हिसार के अंदर, मेडिकल कॉलेज जो है महाराजा अग्रसेन। उसका देखो आकाशवाणी कब आई थी 1999, मैंने नीचे बता दिया आपको। और एकमात्र दूरदर्शन कहाँ पे को लगाया था हिसार के अंदर 1 नवंबर 2002 को। ठीक है भाई, तो ये हो गया अपने कंप्लीट सारे के सारे शिक्षण संस्थान। ऊपर मैं कर रहा हूँ एक बार स्नैप पोज, किसी ने स्नैपशॉट लेना तो भाई स्नैपशॉट ले सका, तो ये आधे का तो यहाँ रोक कर ले लो स्नैपशॉट, और इसके बाद कर रहा हूँ नीचे ने इसके बाद आधे का ले लो यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो गया आपके जितने भी शिक्षण संस्थान है, तो भाई अपने फोटो खींच लेना, और मैं अगला टॉपिक करा रहा हूँ इसी वीडियो में। तो अगला अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई हरियाणा की कृषि एवं खनिज, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि में नहीं दिया हुआ तो भाई खनिज में तो जरूर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अपन ये देखना भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंटरेस्टिंग भी है थोड़ा बहुत, 5-10 मिनट में और हो जाएगा, 20-1 मिनट की वीडियो बनेगी, देख लेना आपके दो टॉपिक बढ़िया कवर हो जाएंगे। उसके बाद चलते हैं भाई आगे। ठीक है, तो अपन बताना चाहिए चूना पत्थर क्वार्ट्ज रेगार चूना सोना कहाँ पे मिलते हैं भाई, सबसे ज्यादा मिलते हैं ये अंबाला के अंदर। ठीक है, और अंबाला भाई किसके उत्पादन में एक नंबर पे है, तो प्याज उत्पादन में प्रथम स्थान पे है साहा फूड पार्क, और साहा फूड पार्क भी पता होना चाहिए आपने कहाँ पे है, अंबाला के अंदर है साहा फूड पार्क। चूना पत्थर क्वार्ट्ज रवेदार चूना और ये सोना ये सारे के सारे कहाँ पे मिलते हैं भाई, अंबाला के अंदर, और प्याज उत्पादन में भी अंबाला एक नंबर के ऊपर है। उसके बाद आ जाते हैं यमुनानगर में, यमुनानगर में देखो गन्ना उत्पादन में भाई प्रथम स्थान पे है यमुनानगर। ठीक है, गन्ना उत्पादन में यमुनानगर प्रथम स्थान के पर है। उसके बाद साइड में कुरुक्षेत्र पे देखो, कुरुक्षेत्र आपने देख रहा है, कुरुक्षेत्र में आलू शकरकंद उत्पादन में प्रथम स्थान, तो भाई आलू शकरकंद उत्पादन में प्रथम स्थान किसका हो गया, कुरुक्षेत्र का, इंपोर्टेंट है आलू शकरकंद उत्पादन में प्रथम स्थान कुरुक्षेत्र, तो हमारा ये डब्बा भी होगा। उसके बाद चलते हैं अपन मक्का उत्पादन में, देखो मक्का पूछा जाता है भाई मक्का सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा भाई, पंचकुला का है मतम मक्का उत्पादन में, और जो न्यूनतम सिंचित क्षेत्र है 25 हेक्टेयर जो की है, तो वो कहाँ पे है, पंचकुला में ही है। ठीक है, न्यूनतम सिंचित क्षेत्र, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, सबसे ज्यादा वन भी पंचकुला के अंदर है, सर्वाधिक सघन वन क्षेत्र मतलब डेंसिटी ज्यादा भी पंचकुला के अंदर, क्योंकि भाई क्योंकि पहाड़ियां आ जाती है, इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि भाई सर्वाधिक सघन वन क्षेत्रफल और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल दोनों के दोनों कहाँ पे है, पंचकुला के अंदर है। उसके बाद आ जाते हैं थोड़ा नीचे आ जाते हैं भाई जींद में, जींद में देखो सबसे कम झाड़ियां हैं, सबसे कम झाड़ियों वाला जिला, और सबसे अधिक झाड़ियां पाई जाती हैं कहाँ पे, सबसे अधिक झाड़ियां पाई जाती हैं गुड़गांव के अंदर। उसके बाद फतेहाबाद, फतेहाबाद में केला सेब उत्पादन में प्रथम स्थान, तो केला सेब उत्पादन में प्रथम स्थान, वैसे सेब होता नहीं है भाई यहाँ पे ऊँगली रखा है थोड़ा बहुत हो जाता हुआ, तो केले में उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है,
फतेहाबाद का। उसके बाद गेहूं, गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान किसका भाई, सिरसा का है, ये सभी ना पता है। गेहूं में सिरसा प्रथम नंबर पे है। उसके बाद कपास में भी पहले नंबर पे है, आड़ू के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पे है, और सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र 698 हेक्टेयर जो कि सिरसा के अंदर ही है, और सिरसा के अंदर ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स मंझियाना में है। ठीक है, तो गेहूं में, कपास में, आड़ू में और सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कहाँ पे है, सिरसा के अंदर है, और न्यूनतम सिंचित क्षेत्र कहाँ पे है, पंचकुला के अंदर, सबसे ज्यादा वन कहाँ पे है पंचकुला के अंदर, सर्वाधिक सघन वन कहाँ पे है पंचकुला के अंदर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स कहाँ पे है, सिरसा के अंदर है। उसके बाद वापस चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, करनाल पे आ जाते हैं। करनाल में आपको पता होगा भाई, धान का कटोरा कहा जाता है कि शहर को, करनाल को, कर्ण के नाम से बसी हुई शहरी है करनाल। चावल उत्पादन में प्रथम स्थान धान कटोरा भी कहा जाता है, सबसे ज्यादा वैरायटी मिलती है कैथल के अंदर। उसके बाद है आम उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, कैथल का है। तो आम उत्पादन में भी प्रथम स्थान कैथल का, और आम का मेला कहाँ लगता है, पंचकुला में लगता है, पिंजौर में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, देखो भाई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ फ्रूट्स कहाँ पे था, ऊपर देखो सिरसा में कोण में, फ्रूट्स के लिए है सिरसा में, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल कहाँ पे है, करनाल में है। ठीक है, जो कि गरुंडा में पड़ता है। उसके बाद आते हैं सोनीपत में, सिट्रस उत्पादन में प्रथम स्थान, ये सोच रहे हो भाई सिट्रस क्या होता है, सिट्रस होते हैं भाई खट्टे फल फ्रूट, नींबू हो गया, संतरे इस टाइप में हो गए। तो सिट्रस उत्पादन में प्रथम स्थान कहाँ पे है, सोनीपत में। तो भाई आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि भाई साइंस से रिलेटेड है कि भाई सिट्रस जो फ्रूट होते हैं, खट्टे फल होते हैं, उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना अगर किसी ने आंसर पता हो तो। और जो विटामिन सी है उसका साइंटिफिक नेम भी आपने बताना है। तो विटामिन सी में, तो आगे चलते हैं भाई अपना रोहतक में। रोहतक में है ज्वार उत्पादन में प्रथम स्थान, तो रोहतक का ज्वार सबसे ज्यादा, रोहतक में ज्वार होती है, तो ज्वार उत्पादन में रोहतक का प्रथम स्थान है। उसके बाद आ जाते हैं आप फरीदाबाद में। फरीदाबाद में देखो भाई रजनीगंधा फूल, रजनीगंधा फूल सबसे ज्यादा फरीदाबाद के अंदर, और बजरी भी सबसे ज्यादा फरीदाबाद के अंदर ही मिलती है, जो कि एक क्रिया का आप लगा लो खनिज हो गया। तो बजरी सबसे ज्यादा फरीदाबाद के अंदर। अगर भाई खनिज का कोई रिलेटेड क्वेश्चन आओ तो महेंद्रगढ़ आपने लेकर चलना, क्योंकि सबसे ज्यादा खनिज महेंद्रगढ़ के अंदर पाए जाते हैं। रोहतक में होगी ज्वार, फरीदाबाद में रजनीगंधा फूल और बजरी। उसके बाद चलते हैं आगे, देखो गुड़गांव में मैंने यहाँ पर नोट बना के लिख रखा है, सबसे अधिक झाड़ियों वाला जिला मैंने बताया था, सबसे कम झाड़ियां कहाँ पे है, जींद के अंदर है। उसके बाद न्यूनतम वन क्षेत्रफल कहाँ पे है भाई, पलवल में। लेकिन अभी कह रहे हैं भाई न्यूनतम वन क्षेत्रफल है फतेहाबाद के अंदर, और न्यूनतम 1% कहाँ पे कम है, तो वो है पानीपत के अंदर। तो न्यूनतम प्रतिशत कहाँ पे कम है, तो वो है पानीपत, और न्यूनतम वन क्षेत्रफल वैसे पूछ ले तो सीधा सीधा फतेहाबाद में। समझ गए भाई बात, पहले ये पलवल में था लेकिन अब फतेहाबाद हो गया, परसेंटेज में कम है पानीपत में। उसके बाद आते हैं गुड़गांव में। गुड़गांव में देखो भाई चीनी मिट्टी, आइसनोपाइराइट है शायद, और ग्रेफाइट है। तो ये तीनों के तीनों चीज गुड़गांव के अंदर प्रचुर मात्रा में मिलती है। रेवाड़ी में सलेट पत्थर, रेवाड़ी के अंदर सलेट पत्थर, और पीतल नगरी भी इसको कहा जाता है, पीतल नगरी रेवाड़ी और स्टील सिटी हिसार। उसके बाद महेंद्रगढ़ भाई सबसे ज्यादा खनिज, अगर खनिज का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आपने आंसर नहीं आ रहा तो आपने सीधा देखना चाहिए महेंद्रगढ़। ठीक है, तो महेंद्रगढ़ में क्या क्या पाए जाते हैं तो आपने देखना है। पहला है संगमरमर, उसके बाद दूसरा है मैग्नेसाइट, संगमरमर, मैग्नेसाइट, बेराइट, क्वार्ट्स, एस्बेरेसाइट, एपेटाइट, कैल्साइट, तांबा, फल्सपार, सफ्टिक, काइनाइट, गार्नेट, ग्रेफाइट, चूना पत्थर, मैग्नीज और सलेट, सारे के सारे कहाँ पे, महेंद्रगढ़ में। ये क्यों है भाई, क्योंकि यहाँ पर डोसी की पहाड़ियाँ हैं राजस्थान के, लगती हुई उन पहाड़ियों में से बहुत ज्यादा खनन के काम चलते रहते हैं, तो इसलिए महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा आपने खनिज पाए जाते हैं। उसके बाद महेंद्रगढ़ में भाई सरसों और बाजरा भी बहुत ज्यादा होती है, तो सरसों का साग और बाजरे की रोटी दोनों के दोनों कहाँ पे, महेंद्रगढ़ के अंदर है। उसके बाद है हिलना पत्थर, हिलना पत्थर आपने पता होगा जब चरखी दादरी अलग से निकाल दिया यहाँ पे, जो कि 2016 में बना दिया नया जिला, तो चरखी दादरी में हिलना पत्थर कल्याणा गांव में मिलता है।
उसके बाद भिवानी, भिवानी देखो जो उत्पादन में प्रथम स्थान पे, लेकिन अभी कह रहे हैं कि भाई सबसे ज्यादा जो अंबाड़ा के अंदर होती है, तो चाहे तो भिवानी आवा चाहे अंबाड़ा होगा, तो अगर कोई ऐसा भी आवा जो में, तो चाहे तो अंबाड़ा चाहे भिवानी, ठीक है। चना उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, भिवानी का है, और सरसों उत्पादन में पहला इसका था, लेकिन सरसों में भाई महेंद्रगढ़ का है, ठीक है। उसके बाद चलते भाई पहाड़ का ऊपर हिसार में चूना पत्थर एवं छोरा, चूना पत्थर एवं छोरा कहाँ पे है, हिसार के अंदर, और ऊपर वाले भाई अपने हो गए हैं कंप्लीट। इसके लिए एक बार फोटो यहाँ से, और ऊपर की आड़े के लिए यहाँ से एक फोटो, ठीक है। तो ये हो गए भाई अपने खनिज जैसे स्थान पूरे। कल एक नई वीडियो लेकर आऊंगा भाई, इसलिए इस वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कर देना, अगर वीडियो बढ़िया लगी तो शेयर जरूर कर देना, बेशक सब्सक्राइब ना करो, अगर फिर पहले सब्सक्राइब कर रखे तो भाई एक बेल का आइकन होया करे सब्सक्राइब के साइड में, तो उसने पकड़ गया बजा। नमस्कार भाई सारे ने, तो अगला टॉपिक अपने पास हरियाणा की जितनी फेमस पर्सनैलिटी है कहाँ से बिलोंग करती है, तो इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, 5-7 मिनट की वीडियो में आप इसने कवर कर लेंगे बिल्कुल। तो अगला टॉपिक है ये करते हैं भाई, तो स्टार्टिंग करते हैं भाई यमुनानगर से। यमुनानगर में भाई देखो भाई सुनील दत्त सिनेमा, सुनील दत्त आपने पता होगा संजय दत्त के फादर साहब हैं, उसके बाद संजीव राजपूत जगाधरी से, और वेद गांधी, वेद गांधी भी कहाँ से हैं, यमुनानगर से। अगले आ जाते हैं आप करनाल पे, करनाल से भाई कल्पना चावला है, अनूप लाठर जो कि सिनेमा में है, और हरप्रीत सिंह जो कि खेल, ठीक है। कल्पना चावला जो कि इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, जन्म हुआ था 1961 में और मृत्यु हुई थी 1-2-3 याद रख सकते हो आप 1 फरवरी 2003 को। उसके बाद अगले है भाई पानीपत, अल्ताफ हुसैन सुभाषिणी, हिमांशु सैनी, दरिया सिंह, दरिया सिंह मलिक, और आय गगन नारंग जो कि निशानेबाज है वह भी पानीपत के हैं, मोहित अहलावत, राज तिलक और सत्यसेन कप। अगले हैं भाई सोनीपत से, सोनीपत के हैं योगेश्वर दत्त जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, योगेश्वर दत्त कुश्ती से, सीमान तिल पुनिया, अमित कुमार नहारी खेल से, बाजे भगत चौधरी, चरण सिंह और टीपी अग्रवाल, ये सारे के सारे कहाँ से हैं, सोनीपत से बिलोंग करते हैं। बाल मुकुंद गुप्त पता होगा आपने, इनकी भाई हरियाणा तिलक और हरियाणा इतिहास के नाम से पुस्तक है। उसके बाद पंडित श्री राम शर्मा भी झज्जर से हैं, उसके बाद पंडित दीनदयाल शर्मा झज्जर से बिलोंग करते हैं, भगवत दयाल शर्मा जो कि बी डी शर्मा है जिसकी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, रोहतक के अंदर पंडित भगवत दयाल शर्मा की, तो कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई झज्जर से। उसके बाद बजरंग कुमार कुश्ती से, सत्यव्रत बजरंग कुमार भाई वह बजरंग पुनिया, ठीक है बजरंग पुनिया, तो कहाँ से है झज्जर से बिलोंग करते हैं बजरंग पुनिया जो कि कुश्ती में वर्ल्ड के नंबर वन रेसलर हैं, ये जो 12 वर्ग में खेलते हैं भाई 65 किलोग्राम 12 वर्ग में खेलते हैं। सत्यव्रत का ध्यान, सत्यव्रत का ध्यान पता हो आपको, साक्षी मलिक के हस्बैंड, साक्षी मलिक कुश्ती से कहाँ से हैं, रोहतक से मोखरा गाँव। उसके बाद भगवत दयाल शर्मा मैंने बता दिया रोहतक झज्जर से, सॉरी झज्जर। उसके बाद अगले भाई अपने पास फरीदाबाद की, फरीदाबाद से है सूरदास जो कि सीही गांव है जिनका, फरीदाबाद से सूरदास, सोनू निगम जो कि सिंगर है, अजय रात्रा और ऋचा शर्मा ये भी गायन के अंदर है मतलब सिंगर है। उसके बाद पलवल से है रायब दुर्लाला मुरलीधर जो कि पंजाब ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से भी जाने जाते हैं, तो कौन है भाई राय बहादुर लाला मुरलीधर। उसके बाद मेवात से ख्वाजा अहमद अब्बास, ठीक है ख्वाजा अहमद अब्बास कहाँ से, मेवात से। गुड़गांव से भाई सतीश कौशिक, सतीश कौशिक कहाँ से हैं गुड़गांव से। रेवाड़ी बनारसी दास राव तुलाराम जो कि 1857 की क्रांति में मेजर भूमिका निभाई थी, रेवाड़ी से है ही। तो बाबू दयाल शर्मा, संतोष यादव, संतोष यादव भाई। उसके बाद होगी अपने पास मोनिका सोनी जो कि गायन में है, और कल्लन खा। अगले इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है भाई स्वामी रामदेव, तो स्वामी रामदेव कहाँ से बिलोंग करते हैं महेंद्रगढ़ से, तो स्वामी रामदेव महेंद्रगढ़ से। उसके बाद राधा कृष्ण वर्मा, तुलसीदास शर्मा, दिनेश और भाई विजेंद्र सिंह जो कि मुक्केबाज है बहुत इंपॉर्टेंट है, विजेंद्र सिंह को याद रखना भिवानी से। बंसीलाल भी भिवानी से है। छाजूराम सेठ, छाजूराम सेठ कौन थे भाई, छाजूराम सेठ वे थे जिन्होंने छोटू राम की शिक्षा के लिए पैसे दिए थे, जहाँ से उन्होंने लॉ की डिग्री करी है आगरा से, तो छाजूराम सेठ ने पैसे दिए थे, तो वह छाजूराम सेठ कहाँ के थे भिवानी के थे, और छोटू राम सांपला गढ़ी सांपला रोहतक से। उसके बाद मुंशी राम जोगी सारंगी थे, विनेश फोगाट बबीता फोगाट ये जितने फोगाट सिस्टर्स हैं सारी की सारी भिवानी से हैं। शशि रंजन जो कि निर्देशक है वो भी भिवानी से बिलोंग करते हैं। रामदेव याद रखना भाई, रामदेव पूछा गया है तो महेंद्रगढ़ से।
उसके बाद देखो भैया आगे रोहतक के, रोहतक का देख लो यार आ रहे हैं, तो सर छोटू राम इम्पोर्टेंट, भरत सिंह महाजन, उसके बाद लक्ष्मण दास, लाला सुल्तान सिंह, लाला दौलत राम, बलदेव सिंह, भरत सिंह, बदलू राम, लाला श्यामलाल, लाला चंद्र भानुगुप्त, जगदीश प्रसाद चौधरी, ममता खरब होकी, नसीब सिंह कुंडू, नसीम सिंह कुंडू भाई देखो रूंडा कुंडा फिल्म में इन्होंने भूमिका निभाई थी, रूंडा जो बने थे वह नसीम सिंह कुंडू थे। उसके बाद है रणदीप हुड्डा जो कि सिनेमा में है, दसैया गांव से बोलूँगा, साक्षी मलिक मैंने बताया था मोखरा गांव से। उसके बाद अशोक गई सुभाष गई इम्पोर्टेंट है जो कि फिल्म निर्माता है। उसके बाद है पूजा बत्रा जो कि अभिनय के अंदर है, पूजा बत्रा, पूजा बत्रा और ऋचा शर्मा, पूजा बत्रा रोहतक से, ऋचा शर्मा गायन से फरीदाबाद से। उसके बाद ऊपर आ जाते हैं हिसार के अंदर, चौधरी कृपा राम, जसराज लेखराम, वैद्य लेखराम सॉरी, रामजी लाल, शालू जिंदल, कुचिपुड़ी जो कि नृत्य है, कुचिपुड़ी कहाँ का है भाई, नहीं डांस आंध्र प्रदेश का। उसके बाद लाला हरदेव सहाय, उसके बाद यशपाल शर्मा, मलिक मलिका शेरावत भी हिसार से हैं, इम्पोर्टेंट है सिनेमा के अंदर, भजन लाल, भजन लाल भी हिसार से थे, पिंकी रानी होकी से, और गीतिका जाखड़ जो कि कुश्ती से कहाँ से बिलोंग करती है भाई, हिसार से। तो गीतिका जाखड़ इम्पोर्टेंट है यहाँ से, भजन लाल, उसके बाद मल्लिका शेरावत, जसराज और वैद्य लेखराम सारे के सारे हिसार के इम्पोर्टेंट है भाई। उसके बाद आ जाते हैं आप और ऊपर सिरसा में, चौधरी देवीलाल, सिरसा से चौधरी देवीलाल इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, बाल बालराम लुटे लुधेरा से अश्विनी चौधरी सिनेमा में है जो, और सरदार सिंह होकी होकी में जो कि कप्तान भी रहे पीछे, सरदार सिंह होकी, मनदीप जाखड़ जो कि खेल से, और बलराम रुदेश्वर। उसके बाद लाला दुनीचंद कहाँ से है भैया, अम्बाड़ा से, लाला दुनीचंद अम्बाड़ा से। उसके बाद नाहिरियाल केसरी अम्बाड़ा से, विशंबरनाथ कौशिक कहाँ से है, अम्बाड़ा से, और जोरा भाई और ओमपुरी, ओमपुरी भी कहाँ से भाई, अम्बाड़ा से हैं, ठीक है भाई। तो ये थे अपने अम्बाड़ा के लाला दुनीचंद, लाला नाहर नाहरियाल केसरी, विशंबरनाथ कौशिक भी अम्बाड़ा से है, और जोरा भाई और ओमपुरी भी अम्बाड़ा से है। उसके बाद लाला काकाराम, काकाराम अपने याद रखना है कैथल से, काकाराम कैसे काकाराम और कैसे ही कैथल बन जाए, तो लाला काकाराम हो गया कैथल से। पंडित अमी लाल और महावीर गुड्डू, महावीर गुड्डू के भाई आपने सुने होंगे, बम लहरी के नाम से भी प्रसिद्ध है ये हरियाणा के अंदर, तो बम लहरी के नाम से महावीर गुड्डू, ठीक है। उसके बाद भाई आगे चलते हैं आप, अगले तो अपने हो गए हैं, अगला टॉपिक करते हैं इसमें एक और वीडियो में। तो भाई अगली जो आप टॉपिक करेंगे वह है सारी की सारी सौर ऊर्जा और जितने भी पावर प्लांट लगाए गए हरियाणा में, तो उनके बारे में बात करेंगे इसमें। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, छोटा सा टॉपिक है, तो भाई देखना जरूर ध्यान से। तो आप करते हैं स्टार्ट पंचकुला से, पंचकुला वेव मॉनिटरिंग स्टेशन पवन ऊर्जा मापन। तो पहाड़ी एरिया से अंदाजा लगा लें कि भाई यहाँ पर पवन ऊर्जा से बिजली बनाती। और भाई एक बात और बता देता हूँ आपने कि भाई कई कई नहीं पता होगा, और जिसकी नहीं पता होगा भाई अपने जो विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जो उत्तरांचल जो जिला है उत्तराखंड, जो भाई अगर विकिपीडिया पे या मैप पे आप देखते हो तो भाई ये बताते हैं कि भाई यमुनानगर के साथ वो नहीं लगता। देखो यहाँ पे दिखा रहेगा कि भाई उत्तरांचल के एक साथ के साथ जिले में वो बनाता है, तो यमुनानगर के साथ मतलब थोड़ा बहुत एरिए में लगता है, लेकिन भाई अगर आप मैप खोल कर देखोगे तो उत्तराखंड जो जिला है वो हरियाणा के साथ नहीं लगता है। लेकिन जो मानते हैं भाई हरियाणा में जो भी जीके हरियाणा जीके पहले बोलते थे कि भाई हरियाणा के साथ देखो इस साइड में हो गए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूके हो गया, फिर यूपी हो गया, फिर भाई देखो नीचे राजस्थान हो गया, और ऊपर हो गया पंजाब। तो कितने जिले हो गए हिमाचल, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये पहले मानते थे भाई 5, लेकिन पिछले पेपर स्टैंडर्ड पेपर में आया, लेकिन मैंने सुना भी कही थे, तो उसका राइट आंसर मानने के इसने भाई उन्होंने पूछ रखा था भी हरियाणा से कितने डिस्ट्रिक्ट जो जितने भी स्टेट हैं कितने स्टेट की सीमा लगती है, तो भाई उन्होंने उसका राइट आंसर 4 मान रखा है। तो भाई अपना ध्यान से देखना कि भाई उसमें 5 आंसर आना है, आपका 4 आना है, क्योंकि उत्तराखंड को भाई मान नहीं रहे कि भाई अब यमुनानगर जिले के साथ वो लगता है, क्योंकि हरियाणा पुलिस के भी पेपर पूछा कि भाई यमुनानगर के साथ भाई ऐसा कोई जिला बताओ जिसके साथ दो मतलब स्टेट की सीमा लगती हो, तो इसमें 3 का जिक्र नहीं था, 2 का स्टेट का जिक्र था, तो भाई वो यमुनानगर था उसका आंसर उस टाइम पर। लेकिन अगर ये घुमा कर पूछ लेता है फिलहाल में, तो जो हरियाणा के जो राज्य के या स्टेट की जो
वो अलग थी असीमा। तो भाई फिलहाल मैं चार अमन आपको अपडेट कर दिया अपनी तरफ से भी, आप भाई अपने इस टॉपिक के ऊपर नॉलेज लेना या फिर नेट पर खोल कर देखना इसका मैप। ठीक है तो चलते हैं भाई आप आगे, तो इसी साइड से शुरू करते हैं हिमाचल के। देखो पंचकूला का लगता है हिमाचल, अम्बाड़ा का लगता है यमुनानगर का, इतना याद रखने की जरूरत है हमने और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है भाई यमुनानगर के अंदर ककरोई सूक्ष्म विद्युत योजना आर्य का दीन बंधु छोटू राम विद्युत परियोजना जो कि यमुनानगर के अंदर है। यहाँ पे दे रहेगा उत्तरांचल का एक जिला यमुनानगर के साथ लगता है, अभी हम इसको फिलहाल में नहीं मान रहे हैं। सर्च करना है भाई कमेंट बॉक्स में उन्हें जरूर बताना। पानीपत, पानीपत ताप विद्युत परियोजना जो कि 1977 में यहाँ पर लागू हुई थी। उसके बाद देखो उत्तर प्रदेश के साथ भाई कौन कौन से लगते हैं, यमुनानगर करनाल लगता है, पानीपत लगता है, सोनीपत लगता है, दिल्ली तो लगता है, फरीदाबाद और पलवल, तो ये सारे के सारे यमुनानगर के साथ लगते हैं। तो भाई मैप के हिसाब से आप ना पता होना चाहिए कि भाई कौन सा जिला किसके साथ लगता है। उसके बाद आ जाते हैं फरीदाबाद के अंदर है गैस आधारित ताप विद्युत परियोजना जो कि फरीदाबाद के अंदर है। तो गैस आधारित ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे है, फरीदाबाद के अंदर है। उसके बाद भाई महात्मा गांधी ताप विद्युत परियोजना, इंदिरा गांधी ताप विद्युत परियोजना और तीसरी है अरावली ताप विद्युत परियोजना, तीनों की तीनों झज्जर के अंदर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है तीनों की तीनों भाई, ये याद कर लियो, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और अरावली। राजीव गांधी में ना बिछड़ियो, राजीव गांधी देखो ऊपर है, यहाँ पर दिखाता हूँ आपने राजीव गांधी कहाँ पे है, हिसार के अंदर। तो राजीव गांधी हिसार के अंदर, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और अरावली है झज्जर के अंदर। उसके बाद है सौर विद्युत के अंदर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, भिवानी के अंदर दे रखा है। उसके बाद देखो राजस्थान के साथ कौन कौन से, तो राजस्थान देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार और जो सिरसा जिला इसके साथ सारे के साथ भाई लगता है राजस्थान। देखो इस साइड में होगा पूरे में राजस्थान, इस साइड में ऊपर में होगा पूरे में यूपी, और यहाँ पर होगा सारे में पंजाब, और ऊपर भाई तीन जिला इसे लागे लगी हिमाचल प्रदेश। तो कितने हो गए भाई, एक एक देखो ये हो गया एक ही साइड, दूसरा ही साइड, तीसरा ही साइड, चौथा ही साइड और पाँचवा यो मतलब चौथा चार हो गए सॉरी पाँचवा नहीं, तो एक हो गया यूपी, ये हो गया यहाँ पर राजस्थान दूसरा, तीसरा हो गया पंजाब, चौथा हो गया यो। ठीक है तो चार जिले हो गए भाई जो हरियाणा की सीमा के साथ लगते हैं। उत्तराखंड का मैं अभी इसको क्लियर नहीं कर रहा हूँ, एक बार आप सर्च करके देखना, वैसे मेरी तरफ से भाई चार ही जिले की लगती है। उसके बाद है भाई इंपॉर्टेंट है सौर ऊर्जा हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन दीन बंधु छोटू राम, ये यमुनानगर में बताई थी मैंने यहाँ लिखकर, तो दीन बंधु छोटू राम ताप विद्युत केंद्र पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना कहाँ के हैं भाई, तो पश्चिम यमुना अपन पता कि यमुनानगर के अंदर, और दीन बंधु छोटू राम भी कहाँ के हैं, यमुनानगर की है। उसके बाद भाई बहुत इंपॉर्टेंट आता है भाई फतेहाबाद का गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना, तो भाई एक ऐसा फिलहाल है ये जो परमाणु से चलता है, तो कौन सा भाई परमाणु विद्युत परियोजना का नाम आ जाए, तो आपने लिखना गोरखपुर जो कि कहाँ पे है, फतेहाबाद के अंदर है। तो भाई ये थे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारे के सारे, बहुत बढ़िया पेज था, इंपॉर्टेंट पेज था, तो एक बार वीडियो में पाँच छः करके देख लो, चार पाँच मिनट दोबारा आपने क्लियर हो जाए। उसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पे, अगला टॉपिक है भाई अपने पास हरियाणा के वन्य जीव अभियान, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, एक तरिया लगाओ तो है। ठीक है तो भाई आप देखते हैं, और उसमें रेलवे के बारे में थोड़ा बहुत तो बता रखे हैं, तो आप देखेंगे भाई स्टार्टिंग करेंगे आप सारा का सारा पंचकूला से, तो वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभियान, पिछले हरियाणा पुलिस के पेपर में एक क्वेश्चन आया था भाई इसके ऊपर, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभियान 1975 में तीतर प्रजनन केंद्र, देखो तीतर और वीर शिकारगढ़, एक वीर शिकारगढ़ है, एक वीर बारा शिकारगढ़ है भाई, वीर बारा देखो जीन के अंदर है, वीर बारा और वीर शिकारगढ़ में आपने विचलना नहीं है सॉरी, तो वीर बारा अपने पास जींद में और वीर शिकारगढ़ कहाँ पे है पंचकुला में, तो ये अपने याद रखना। और तीतर जो प्रजनन केंद्र है वो भी अपना पंचकुला केंद्र है जो कि मोरनी पिंजौर केंद्र है, मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है करो। ठीक है भाई उसके बाद चलते हैं आप नीचे, खोल ही रतान वन्य जीव अभियान कहाँ के अंदर है भाई, पंचकुला के अंदर है। उसके बाद गिद्ध एवं प्रजनन केंद्र, तो गिद्ध कहाँ पे होते हैं भाई, पहाड़ियों में होते हैं, पहाड़ी कहाँ पे, पंचकुला के अंदर है, तो हमने याद रख लेना। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभियान, तीतर प्रजनन केंद्र, मोरनी पिंजौर केंद्र है, खोल ही रहता है वन्य जीव अभियान और गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। उसके बाद चलते हैं पापा आपा यमुनानगर के अंदर, यमुनानगर में देखो इंपॉर्टेंट है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है भाई, देखो इसे नाम से आया था कि भाई कौन, हरियाणा पुलिस में बता देता हूँ कि भाई बताने थे कि वन्य जीव अभियान कौन से हैं और राष्ट्रीय उद्यान कौन से, तो कलेसर वन्य जीव अभियान लिख गया, तो ये हमने अलग छाटना था, इस टाइप में क्वेश्चन था, तो डायरेक्ट नहीं पूछ रखा था, इनडायरेक्ट पूछ रखा था, तो हमने नाम भी बिल्कुल ध्यान रख लिया। तो वन्य जीव अभियान का वन्य जीव अभियान लगाना है, और जो राष्ट्रीय उद्यान है वो राष्ट्रीय उद्यान रखना है अपन।
तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? करनाल के अंदर है। कलेसर वन्य जीव अभयारण्य भी कहाँ पे है भाई? यमुनानगर के अंदर है। उसके बाद हाथी पुनर्स्थापना एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ के अंदर है? यमुनानगर के अंदर है। देखो तो भाई हाथी का याद हो गया, ठीक है, मगरमच्छ का कुरुक्षेत्र के अंदर है, और अशोक हिरण उरण सब कहेगा हिसार के अंदर है। तो ये अपन याद रखने आ गया, कुरुक्षेत्र का मैं कराया देता हूँ इसमें। तो छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ के अंदर है भाई? छिलछिला यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में चलते हैं बालक भाई। छिलछिला कहाँ पे? तो छिलछिला भाई कुरुक्षेत्र के अंदर है, छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य। और देखो आगे ना, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ के अंदर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है, भोर सुडान में। ब्लैक बक प्रजनन केंद्र कहाँ पे है भाई? पीपली के अंदर है, जो कि कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद पीपली चिड़ियाघर, आपने पता होगा, नेशनल हाईवे 44 जिसका नाम बदल दिया है। पहले क्या था, NH1+ में NH2 का नाम बदल गया, NH44 कर दिया है, जो कि NH44 पे है। उसका नाम है पीपली चिड़ियाघर, 1982 में 27 एकड़ में बनाया गया था। समझ गए भाई इतनी बात? तो छिलछिला में भी चढ़ना नहीं है, छिलछिला कहाँ पे है? अपना कुरुक्षेत्र के अंदर है। उसके बाद आप यहाँ पर नीचा चलते हैं, जज्जर के। जज्जर के देखो भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य और खपड़ावास वन्य जीव अभयारण्य। भिंडावास खपड़ावास अलग अलग से नाम है, तो आप याद कर लेंगे भिंडावास खपड़ावास वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? जज्जर के अंदर है। उसके बाद आप चलते हैं रेवाड़ी पे। रेवाड़ी में भाई देखो नाहर वन्य जीव अभयारण्य, नाहर आपने पता है, राव तुलाराम भी यहीं के थे। और नाहर वैसे 1857 की क्रांति में वैसे तो फरीदाबाद के थे, नाहर बल्लभगढ़ के, सॉरी बल्लभगढ़ जो कि फरीदाबाद में पड़ गया, लेकिन नाहर वन्य जीव अभयारण्य हमने याद रखा, नाहर वन्य जीव अभयारण्य रेवाड़ी के अंदर है। उसके बाद लेकिन फरीदाबाद में कोई भी इंपॉर्टेंट वन्य जीव अभयारण्य नहीं है। उसके बाद चलते हैं आप भाई भिवाणी के ऊपर। भिवाणी में है चिंकारा प्रजनन केंद्र और भिवाणी चिड़ियाघर, जो कि 1982 में 7 एकड़ में, ठीक है। इसके अपन नाहर वन्य जीव अभयारण्य रहेगा, आरे की ओर रहेगा भाई मयूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र, जो कि कहाँ पे है? झाबुआ रेवाड़ी। झाबुआ नाम याद रखना अपन ने, मयूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? रेवाड़ी के अंदर है। रेवाड़ी के अंदर झाबुआ, झाबुआ रेवाड़ी मयूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र नाहर वन्य जीव अभयारण्य 2009 में, जो याद रखनी को जुटती है। लेकिन बस ये याद रखना कि भाई नाहर वन्य जीव अभयारण्य रेवाड़ी के अंदर है, और मयूर एवं चिंकारा कहाँ पे है? झाबुआ रेवाड़ी के अंदर। अगला भिवाणी का उन्होंने बता दिया, चिंकारा प्रजनन केंद्र था भाई, ठीक है। भिवाणी चिड़ियाघर इसमें देखो चिंकारा, यहाँ पर मयूर एवं चिंकारा, मयूर का मतलब मोर, मोर समझ ज्यादा रेवाड़ी में, और वहां पर इसका संरक्षण कर रखा है। उसके बाद रोहतक के भाई, रोहतक का नीचे रोहतक चिड़ियाघर, ये इंपोर्टेंट है, रोहतक चिड़ियाघर रोहतक के नाम पे आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं आप ऊपर भाई, ऊपर वाले हैं सिरसा के अंदर। सिरसा के अंदर है अबू शहर वन्य जीव अभयारण्य। अबू शहर, अबू शहर वन्य जीव राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य, इंपोर्टेंट है भाई। तो राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? अबू शहर, जो कि कहाँ पे है? सिरसा के अंदर है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। इसके नीचे लिख रखा है एयरफोर्स स्टेशन, तो एयरफोर्स स्टेशन एक हो गया भाई सिरसा में। ये दूसरा एयरफोर्स स्टेशन कहाँ पे है? अम्बाड़ा के अंदर है, समझ गए? तो एक अम्बाड़ा के अंदर है, दूसरा सिरसा के अंदर एयरफोर्स स्टेशन है। और जो दोनों सीट है भाई, अम्बाड़ा की और सिरसा की, ये आरक्षित सीट है लोकसभा के मद्देनजर से, ठीक है। कैथल का, कैथल में आ जाते हैं अपन सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य। उसके बाद सोनसर जंगल के नाम से भी जाना जाता है, तो ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन सरस्वती वन्य जीव अभियान कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र, कैथल के अंदर है, सॉरी। तो भाई ये मैं करूँगा थोड़ी बहुत क्लोज क्वेश्चनिंग, तो बताना है आपने भाई अबू शहर कहाँ पे है, तो ये सिरसा में। रिवाइज करने के लिए करा रहा हूँ बस। सरस्वती वन्य जीव अभियान कहाँ पे है? कैथल में है। छिलछिला कहाँ पे है? यमुनानगर, सॉरी सॉरी कुरुक्षेत्र में है। तो छिलछिला कहाँ पे भाई? बिछड़ जाते हैं यमुनानगर में और कुरुक्षेत्र में। छिलछिला है कुरुक्षेत्र के अंदर, और जो हाथी पुनर्स्थापना एवं अनुसंधान केंद्र वो है यमुनानगर के अंदर। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। बीर शिकारगढ़ कहाँ पे है? पंचकुला में है। बीरबारा कहाँ पे है? बीरबारा है जींद के अंदर। उसके बाद सरस्वती कहाँ पे है? सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य कैथल के अंदर है। झाबुआ के अंदर कौन सा है? मयूर एवं चिंकारा। उसके बाद सबसे बड़ा कौन सा है? अबू शहर वन्य जीव अभयारण्य है। उसके बाद आप चल देते हैं भाई, चिंकारा प्रजनन केंद्र भिवाणी के अंदर है, मयूर एवं चिंकारा रेवाड़ी के अंदर है, नाहर वन्य जीव अभयारण्य रेवाड़ी के अंदर है। उसके बाद फरीदाबाद के अंदर कोई मेन नहीं है, लेकिन फरीदाबाद जो बल्लभगढ़ है वहाँ के जो राजा थे वो कौन थे भाई? 1857 की क्रांति में उन्होंने वहाँ से नेतृत्व किया, तो वो थे नाहर सिंह।
उसके बाद जज्जर में बेडावास कपड़ावास अलग अलग से नाम होंगे दोनों आगे। ठीक है भाई, तो ये थे भाई सारे के सारे इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है अपना भाई जितने भी अपने हरियाणा में पर्यटक स्थल हैं उनके ऊपर। तो हरियाणा के जितने भी पर्यटक स्थल हैं वो एक पेज को आप आगे ले आए हैं और एक वीडियो बना रखी है कंपाइल्ड, बढ़िया डाल देगा भाई इस वीडियो ने कंप्लीट होते आपने लगा भाई हाँ हरियाणा का हमें कुछ नॉलेज है। उसके बाद अपना स्टार्ट कर देते हैं आप जो पर्यटक स्थल हैं हरियाणा के, लिख देता हूँ मैं पर्यटक स्थल। ठीक है, तो पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं पंचकूला, पहला है यादविंद्र गार्डन, रेड बिशप, मोरनी हिल्स इंपॉर्टेंट है, माउंट क्लेव मोरनी हिल्स के अंदर है, टिक्करताल, कैक्टस गार्डन, रेड बिशप्स, और जटायु यात्रिका, पंचमपुरा। तो ये सारे के सारे कहाँ पे अपने भाई पंचकूला के अंदर है। उसके बाद आता है किंग फिशर, किंग फिशर अम्बाड़ा के अंदर है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोयला और कोयल और अंजन, कोयल किसके अंदर है कैथल के अंदर, कैसे कोयल कैसे कैथल, और अंजन भी कहाँ पे है कैथल के अंदर है। उसके बाद बुलबुल भाई ओएसिस, हरियल, नरवाना जो कि जींद के अंदर है, पुष्कर तीर्थ, हंस हैडर, पुष्कर तीर्थ बीच, ये सारे के सारे भाई जींद के धर्म मंदिर आप देख सकते हैं आरोगे। उसके बाद जामनी महर्षि जमदगिन ने तपस्या की थी, नाग क्षेत्र तीर्थ सपीतों के अंदर जींद के अंदर। तो बुलबुल ओएसिस, हरियल, उसके बाद पुष्कर तीर्थ, हंस हैडर, सारे के सारे कहाँ पे है जींद के अंदर है। ये थे भाई जींद के इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाते हैं कुरुक्षेत्र के इंपॉर्टेंट, कुरुक्षेत्र बहुत ज़्यादा है भाई पर्यटक स्थल। तो नीलकंठ कृष्ण धाम मंदिर आ गया तो हमें पता भाई कुरुक्षेत्र के अंदर ही पाओगा। पैराकीट ज्योतिषर नीलकंठ, पैराकीट जो कि है पीपड़ी के अंदर, पीपड़ी कहाँ पड़ता है कुरुक्षेत्र के अंदर, ज्योतिषर भी पता भाई ज्योतिषर सरोवर। उसके बाद है नीलकंठ, नीलकंठ भी कहाँ पे है कुरुक्षेत्र के अंदर है। उसके बाद ये नीलकंठ यात्री निवास है, सॉरी नीलकंठ यात्री निवास। उसके बाद चंद्रकूप, चंद्रकूप भी हमें पता है चंद्रकूप कहाँ पे है कुरुक्षेत्र के अंदर है। उसके बाद है आपगा, आपगा भी कहाँ पे है भाई अपना कुरुक्षेत्र के अंदर है। कमोदन वन, कमोदन वन कहाँ पे है कुरुक्षेत्र के अंदर है। मार्कंडेय तीर्थ, कमलनाथ तीर्थ, बाणगंगा भी, प्राची तीर्थ भी, सन्नहित तीर्थ, कुबेर तीर्थ, ब्रह्म सरोवर, कालेश्वर तीर्थ और पुंडरिक सरोवर, सारे के सारे कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ते हैं। अगला चलते हैं भाई पाप फतेहाबाद के ऊपर। फतेहाबाद का एक है इम्पोर्टेंट जो कि है पपिया, पपिया फतेहाबाद का इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सुखर शिकरा आसूखेड़ा कहाँ पे है सिरसा के अंदर है। तो सुखर शिकारा आसूखेड़ा कहाँ पे भाई सिरसा के अंदर है। ईरसा में देखो, ईसार में है ब्लूबर्ड, फ्लेमिंगो, ब्लैक बर्ड आसी के अंदर, अलीगढ़ का किला हिसार के अंदर है। सारे सारे किंग फिशर बताओ भाई मैंने कमेंट बॉक्स में कहाँ पे है किंग फिशर, किंग फिशर बताना आपने कहाँ पर है। उसके बाद आ गया पा भगवान भिवाणी पर, भिवाणी में बया, रेड रोबिन, ड्रेंगो। देखो भाई ड्रेंगो ही पड़ता है दादरी में जो कि अलग बन गया है जिला, तो ड्रेंगो कहाँ पे पड़ेगा दादरी के अंदर। उसके बाद इमलोटा मंदिर जो भी दादरी के अंदर है, इमलोटा मंदिर दादरी, ये भाई हनुमान का मंदिर है इमलोटा मंदिर। उसके बाद तो शाम भिवाणी में, तो शाम तीर्थ भी भिवाणी के अंदर, पहाड़ी माता लोहारू, देवसर, देवसर गांव कहाँ पे है गनाना, शीतला माता भिवाणी के अंदर है। उसके बाद देखो रोहतक का बताया तिलियार लेक, वो जो रोहतक का लेक बताया तिलियार लेक नाम उसका, मैना, नोरंग, अस्तलबोर, सारे के सारे कहाँ पे हैं भाई ये रोहतक के अंदर है, तो अपन ये याद रखनी है। उसके बाद महेंद्रगढ़ में आ जाते हैं भाई, देखो महेंद्रगढ़ में के हैं अन्नपूर्णा तीर्थ, डोसी की पहाड़ियाँ यहाँ पे, तो डोसी तीर्थ भी यहाँ पे है, और यहाँ पे भाई खनिज जो है सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ के अंदर है। उसके बाद एक डोसी तीर्थ स्थल हो गया। उसके बाद बाबा रामेश्वर धाम किसके अंदर है महेंद्रगढ़ के अंदर। उसके बाद आ गया अपने पास गुड़गांव में सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, सुल्तानपुर देखो सुल्तानपुर यहाँ पे क्या थी, सुल्तानपुर यहाँ पे एक लेक भी थी। उसके बाद दमदमा, सोना, झरना, बारबेट झील जो कि कहाँ पे है बारबेट झील, सोना के अंदर, दमदमा, सोना, उसके बाद सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य। भाई देखो जो बोल रहे हैं मैं दोबारा दोबारा भैया आपको याद कराने के लिए बोल रहा हूँ और इसका कोई भी मकसद नहीं है। उसके बाद महेंद्रगढ़ अपना हो गया डोसी तीर्थ, अन्नपूर्णा स्थल, बाबा रामेश्वर धाम। उसके बाद आ जाते हैं पर रेवाड़ी के अंदर, रेवाड़ी में अपने सैंड पाइपर जंगल पे बने। देखो रेवाड़ी में क्या भाई रोड़े हैं या फिर मतलब इस टाइप से राजस्थान का लगता है, तो थोड़ा बहुत राजस्थान का लगता है, तो यहाँ पे क्या हो गया सैंड पाइपर की स्नेक को कहते थे भाई, सैंड पाइपर सांपों को कहते हैं, तो सांप ज़्यादा होते हैं रेत के अंदर, और जंगल बैबलर, तो सैंड पाइपर और जंगल बैबलर रेड कनेक्ट करके ये सारे के सारे रेवाड़ी में। उसके बाद रेड मस्जिद भाई देखो क्वेश्चन आया था पिछले, मैं वैसे बता देता हूँ यहाँ पे लिख रखा है इसलिए, रेड मस्जिद
रेड मॉस्क्यू जिसको कहते हैं, लाल मस्जिद, वो किसके शासनकाल में बनाई गई थी रेवाड़ी के अंदर, तो आपने ये बताना है मेरे को, तो रेड मस्जिद जो है किसके शासनकाल में बनाई गई थी कमेंट बॉक्स में बताना इस वीडियो के। उसके बाद आ जाते हैं फरीदाबाद में। फरीदाबाद में अरावली गोल्फ कोर्स, ठीक है, अरावली गोल्फ कोर्स फरीदाबाद, देखे देखो भाई सारे के सारे अमीर आदमी है तो गोल्फ अमीर आदमी खेलते, तो अरावली गोल्फ कोर्स कहाँ पे हो गया, फरीदाबाद के अंदर। बड़खल झील जो कि 1947 में बनी थी वो भी कहाँ पे है, फरीदाबाद के अंदर है। उसके बाद है संबड़ मेंटल मैगपाई होटल, राजहंस हर्मिटीज पपीहा, ठीक है, जो पपीहा एक कहाँ पे था, फतेहाबाद में, ये इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन जो पपीहा आया ना भाई फतेहाबाद दिमाग में आना चाहिए। एक देखो इसमें आ गया नाहर सिंह पैलेस, देखो ये आ गया यहाँ पे नीचे नाहर सिंह पैलेस, तो नाहर सिंह पैलेस कहाँ पे होगा भाई, फरीदाबाद। नाहर सिंह कहाँ का, 1857 की क्रांति का कहाँ नेतृत्व किया था, बल्लभगढ़ सेना ने। उसके बाद सूरजकुंड, लेकिन सूरजकुंड झील कहाँ पे है, सूरजकुंड झील कहाँ पे है भाई, सूरजकुंड झील अपनी गुड़गांव के अंदर, लेकिन सूरजकुंड वैसे घूमने फिरने के लिए कहाँ पे है भाई, फरीदाबाद के अंदर। अब की बार कौन सा लगा भाई, 33वां इसका संस्करण था, एक की बार जो सूरजकुंड का होया है। इसमें जो थीम स्टेट थी वो थी अपनी महाराष्ट्र, और जो थीम इसकी कंट्री थी वो थी कौन सी, थाईलैंड। जो भाई इन्होंने जो महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस है जो आगे CM है, उन्होंने यहाँ का शिलान्यास मतलब इनकी इनाग्रेशन ओपनिंग सेरेमनी करी है, और उसमें शामिल कौन कौन थे भाई, वहाँ के पर्यटक मंत्री थे और अपने हरियाणा के शिक्षा मंत्री राम विलास शर्मा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। तो सूरजकुंड हो गया, अगला हो गया लेक ब्लू वाइट्स अनागपुर धाम, अनागपुर धाम, ठीक है, अनागपुर धाम लेक ब्लू वाइट्स धाम इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन सूरजकुंड हो गया, नाहर पैलेस हो गया, उसके बाद ये हो गया होटल राजहंस, सनबर्ड मेंटल मेक्स पाई, बड़खल झील और अरावली गोल्फ मैदान, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। 1947 में बनी थी बड़खल झील। उसके बाद पलवल डबजी, पलवल डबजी याद रख लीजिए। उसके बाद भाई गोरैया बहादुरगढ़ के अंदर, गोरैया बहादुरगढ़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सोनीपत में एथनिक इंडिया चकोर है, ये दोनों के दोनों कहाँ पे हैं, सोनीपत के अंदर है। उसके बाद शिव मंदिर, ये तो वैसे लिख रहेगा शिव मंदिर, वैसे पानीपत के अंदर है, बहुत बड़ा मंदिर है। उसके बाद ब्लू जे भाई, ब्लू जे ये संभाल का में है, स्काईलॉक और काला अम्ब स्काईलॉक ब्लू जे, ठीक है। देखो ब्लू जे और ब्लैक बर्ड, ब्लू बर्ड में पिछड़ना नहीं, देखो ब्लू बर्ड कहाँ पे है हिसार के अंदर है, और ब्लू जे कहाँ पे है, ब्लू जे पानीपत के अंदर। देखो मैं जिस जिस चीज़ में मैं भी चल रहा हूँ भाई, देखो मैं भी तैयारी कर रहा हूँ थारे के डाले वालों को, तो जिस चीज में मैंने मतलब शंका लगाया है तो मैं भी वो आपको बता देता हूँ कि भाई इसमें आप भी चल सको। तो भाई अगर आप ने भी ये लगा कि भाई हाँ हमने भी इसमें हमारा भी दोनों चीज़ें हमें दिमाग थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएगा, तो कमेंट में बताइए कि भाई हमारे साथ भी है बात बने आ रहा। तो ब्लू जे और ब्लू बर्ड कहाँ पे है, ब्लू जे है पानीपत में, ब्लू बर्ड है हिसार। मैं आपको यहाँ पे सामने करके मैं इनको कंपेरिजन करा रहा हूँ ताकि भाई आपके पेपर में दोनों के दोनों आ जाए, तो आप इन्हें डिफ्रेंशिएट कर सको, क्योंकि भाई एग्जामिनर ऐसे ऑप्शन दिया है जिसमें आप भी चल सकते हैं। उसके बाद पानीपत में है स्काईलॉक, स्काईलॉक होगी पानीपत में, काला आम होगी पानीपत के अंदर। उसके बाद करनाल में करण झील इंपॉर्टेंट है, ओएसी सर फास्ट फूड, ठीक है। यमुनानगर का आदि बद्री इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्या निकलती है भाई, आदि बद्री से आपको बताना है कि भाई मैंने इसी वीडियो में करा रखे कौन सी नदी निकलती है, तो आपने बताओ भाई आदि बद्री से कौन सी नदी निकलती है, और डोगशाही से भी बताना भाई डोगशाही से कौन सी निकलती है, ऐसे लिख देना पूरा, आदि बद्री से ये नदी और डोगशाही से ये वाली नदी निकलती है। उसके बाद अगला अपने पास हथनीकुंड कॉम्प्लेक्स, हथनीकुंड कॉम्प्लेक्स आदि बद्री कहाँ पर हो गया भाई, यमुनानगर के अंदर, और हमारा बताया भी था हाथी पुनर्स्थापना केंद्र भी कहाँ पर, यमुनानगर, तो हाथी और हथनीकुंड, और हथनीकुंड के नाम से भाई यहाँ पे एक डैम भी है, तो इससे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद चनेटी स्तूप, ताजेवाला कॉम्प्लेक्स, ताजेवाला भी वहीं यमुनानगर में याद रखना, श्री कलेश्वर महादेवी मठ सूर्यकुंड बिलासपुर, तो ये हो गए सारे सारे यमुनानगर के भाई, ये सारे इंपॉर्टेंट हो गए अपने पर्यटक स्थल। अगर बढ़िया लगे हो तो भाई मजा आया हो तो लाइक इब्बा कर दो वीडियो ने, आगे करते हैं अगला टॉपिक। तो भाई अगला टॉपिक है पीर और मजार, आप सभी कह रहे हो कि भाई वो बहुत घना पेज धस रहा है, और धस इसलिए रहा भाई क्योंकि यो पेज हमें इंपॉर्टेंट है, या फिर एक तो मंदिर आगा भाई या देखियो इनमें तो क्वेश्चन आई बार बने बने, ठीक है। तो ये ऐसे पेज हैं तो जिनमें भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है तो भाई अपन बढ़िया डाल करना पड़ेगा, और जिसलिए यो जितना मैंने इस पर लिख रखा है। उसके बाद चलते हैं भाई अपना पंचकूला से स्टार्ट करते हैं, पंचकूला में कुछ नहीं है, अम्बाड़ा का था भाई साइन, तो अम्बाड़ा से आप स्टार्ट करते हैं। अम्बाड़ा में है पीर नौगजा दरगाह, जहाँ पे भाई घड़ी चढ़ती है, और एक गज 3 फुट के बराबर होता है, साइंस का क्वेश्चन बता दिए इसमें,
और NH44 के ऊपर सिचुएटेड है। मैंने बताया था कि भाई NH1 और NH2 मिला के इनका नया नाम कर दिया NH44। एक बार देखो, इनसे स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ एक बार सारे के सारे जो नेशनल हाईवे के नेम चेंज हुए हैं। तो NH, एक बार भाई माउस कड़ा गए हो, NH1 प्लस में NH2 का नाम कर दिया भाई NH44। इम्पोर्टेंट है, याद रखना अपन। उसके बाद NH71A, आपने पता होगा कहाँ से कहाँ तक जाता था, ये जाता था रोहतक से पानीपत, तो इसका नाम बदल के कर दिया NH709। उसके बाद अगला था एक NH10 था भाई, जो कि दिल्ली से होता है बहादुरगढ़ रोहतक हिसार सिरसा यहाँ से होया जाता था, तो आपने उसका पता होगा। NH10 का जो नाम है ना भाई, NH1 कम कर दिया, NH9 कर दिया है। तो ये जो भी लिखवा रहे हो भाई अपना लिख लेना, पेपर में आपके मार सकते हैं। और टोटल नेशनल हाईवे कितने अपने पास 29 है, पिछले पेपर में पूछा भी गया था, ठीक है। उसके बाद NH8 कहाँ से है, दिल्ली से जयपुर तक है भाई, दिल्ली से जयपुर, तो इसका NH8 का क्या कर दिया, NH8 का कर दिया, NH का 48 कर दिया। तो ये आपने याद रखा, NH10 का कर दिया 9, NH8 का कर दिया 48, एक और दो को मिला कर दिया है 44, 71 है, जो कि रोहतक से पानीपत था उसका नाम कर दिया है 709। उसके बाद है रुड़की सहारनपुर यमुनानगर सहारनपुर, ठीक है, रुड़की से सहारनपुर यमुनानगर के साइड में है, तो इसका जो नाम था भाई NH73 था पहले, लेकिन अब इसका जो नाम है वो बदल के NH344 कर दिया है। उसके बाद अगला है शाहजादपुर पंचकुला, जो कि NH73 था, ये NH7H, इसका नाम बदल के NH7 कर दिया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको नहीं लिखा रहा हूँ। उसके बाद अगला भाई पिंजोर बद्दी, जो कि NH21A था, उसका नाम बदल के कर दिया NH205, ठीक है, NH21A का नाम बदल के कर दिया है 205। उसके बाद दूसरी चीज आती है अपने पास KMP और KGP, ये हो गया भाई दिल्ली, ये हो गया कुंडली, ये कुंडली है यहाँ पे, यू गाजियाबाद है, यो यहाँ पर पलवल है, अरे यहाँ पे है मानेसर। तो जो KMP है, जो अपने हरियाणा राज्य में पड़ता भाई, 135.6 किलोमीटर का है, कितनी एक्यूरेट 135.6। और जो भाई इस पर मैक्सिमम स्पीड लिमिट है, पहले थी, अब ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा बता रहे, लेकिन पहले जब ये बढ़ाया था 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इस यहाँ पर आप गाड़ी चला सके थे, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है कुंडली गाजियाबाद पलवल, कुंडली गाजियाबाद पलवल बराबर है, बस इसका जो डिस्टेंस है वो है 135, सिर्फ 135.0, इसका 135.6। तो अगर पूछ ले तो भाई अपन इसका पता होना चाहिए। उसके बाद भाई ये देखो अपना टॉपिक हो गया पूरा का पूरा, मेरे हिसाब से तो कंप्लीट हो गया है। अगर फिर भी कुछ एक आधा रह गया तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपकी कमेंट ने पिन कर दूंगा ताकि भाई सारे भाई देख सके। तो ये टॉपिक आप भाई आज स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हो गए नेशनल हाईवे के बारे में, तो इसके बात कर रहे हैं आपा जो भी मकबरे थे और मज़ारे थे हरियाणा के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपा कवर कर रहे हैं इस टॉपिक में। तो पीर नौ गजा मैंने बता दिया था, घड़ी यहाँ पर चढ़ाई जाती है, 1 गज 3 फुट के बराबर होता है, NH44 पे यह सिचुएटेड है। उसके बाद आ जाते हैं भाई अपने पास पानीपत के अंदर। पानीपत में देखो एक काबुली बाग मस्जिद कब बनवाई गई थी, ये बनवाई गई थी बाबर के द्वारा, जो ये पानीपत का प्रथम युद्ध आया था, उसके बाद इसने अपनी बेगम मुसम्मत की याद में इसने यहाँ पे पानीपत में काबुली बाग मस्जिद बनवाई थी। उसके बाद है अपने पास अगला अपने पास काला अम्ब भी कहाँ पे है, पानीपत में है, सलारगंज गेट सिद्ध शिव शनि धाम व अली शाह कलंदर की मज़ार है यहाँ पे, और कबीर पुल ओलिया हजरत शेख की, जलालुद्दीन की दरगाह शेख रोशन की, अली शाह दरगाह अल्ताफ हुसैन अली की कब्र, इब्राहिम लोदी की कब्र कहाँ पे है, इब्राहिम लोदी की कब्र कहाँ पे है भाई, पानीपत के अंदर है। इब्राहिम लोदी के साथ BI मैंने बताया था, वो जो फॉर्मूला बताया था BIAH जो यहाँ पर लिख रखा है। तो पहला जो युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी का, अकबर का हेमचंद हेमू के साथ, तो इब्राहिम लोदी की जो मकबरा है वो भी यहीं पर है, बाबर के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद काबुली बाग मस्जिद भी यहीं पे है, हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन का मकबरा भी यहीं पे है। उसके बाद है भाई शिव मंदिर, इतना इम्पोर्टेंट नहीं, अनाम अल्लाह की मज़ार, गौस अली शाह की मज़ार, संत मीर शाह की मज़ार,
और हाल ही की दरगाह ख्वाजा अस्ताक अली की दरगाह। देखो भाई इसको याद करने की ये इंपॉर्टेंट है, एक तो काबुली बाग मस्जिद बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अबू अली और एक गौस अली, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है भाई, रिफाइनरी है और एक यहाँ पे एक चीनी का मिल भी है, तो यहाँ पे बू आती है भाई पानीपत में, इसलिए बू अली और गौस अली। गौस के क्या होता है भाई, गौस गैस से लिंक कर लेंगे, और गैस किससे लिंक करेंगे हम, पेट्रोलियम उत्पाद से। पेट्रोलियम उत्पाद में कौन है भाई, पानीपत है, तो पेट्रोलियम से गैस निकलती है। अली शाह गौस अली शाह की मज़ार, हाली की दरगाह भी कहाँ पे है, पानीपत में। तो भाई आप रिलेट करके ये याद कर लेने हैं। इसके बाद चलते हैं भाई आप नीचे, मामू भांजा की दरगाह ख्वाजा खिजर का मकबरा। तो ये कहाँ पे है, सोनीपत के अंदर है। मामू भांजा की दरगाह और ख्वाजा खिजर का मकबरा कहाँ पे है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, सोनीपत के अंदर है, ठीक है। गोहाना में पीर जमाल है, देखो ये लिख रखे हैं यहाँ पे, गोहाना में पीर जमाल और पीर कमाल कहाँ पे है, कैथरमाकर। देखो भाई मैं जो लिख रखे ना इसको भूल जाऊँ तो भाई आप अपने आप देख लेना, सूरदास का जन्म सही गाँव बल्लभगढ़ फरीदाबाद, क्योंकि भाई ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। जो अगर भूल भी जाऊँ तो भाई आप अपने आप देख लेना। उसके बाद रेड मोस्क्यू कब बनाई गई थी, अकबर के काल में बनाई गई थी रेड मोस्क्यू। उसके बाद आप चलते हैं अगले गुड़गांव में, गुड़गांव में भाई अलवर्दी खां की मरजार। अलवर्दी थे आपा क्लियर हो रहा है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में बनाई गई है, तो अलवर्दी खां की मजार अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में बनाई गई थी। मामू भांजा की दरगाह ख्वाजा खिजर का मकबरा कहाँ पे है, सोनीपत के अंदर है। तो अलवर्दी खां की मजार अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा गुड़गांव में। उसके बाद महेंद्रगढ़ पे चलते हैं भाई, महेंद्रगढ़ में इब्राहिम सूरी का मकबरा, ठीक है। शेरशाह का दादा था, कौन था भाई ये, इब्राहिम सूरी, तो शेरशाह का दादा था इब्राहिम सूरी। तो इसकी जो मकबरा है वो कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ के अंदर है, जो कि नारनौल में पड़ता है। उसके बाद संत हमजा पीर की दरगाह, यहाँ पर महिलाएँ नहीं जा सकती, ठीक है, सबसे बड़ी मज़ार है। उसके बाद है शाह कुली का मकबरा नारनौल के अंदर, शाह कुली का मकबरा नारनौल है। शाह विलायत का मकबरा कहाँ पे है, महेंद्रगढ़ के अंदर। तो भाई इससे मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था कि भाई संत हमजा पीर महिलाएँ नहीं जा सकती, और भाई सबसे बड़ी मज़ार जो है, मदार जो भी है, ये महेंद्रगढ़ में। तो भाई सबसे बड़ा वन्य जीव अभियान बताओ मेरे तक कहाँ पर है, सबसे बड़ा वन्य जीव अभियान बताओ कहाँ पर है। मैं नाम बता देता हूँ, अबू शहर वन्य जीव अभियान तो आपको बताना है कहाँ पर है। उसके बाद भिवाणी, भिवाणी में है पीर मुबारक शाह की दरगाह। देखो भाई पीर मुबारक शाह है ना या भाई तरखी चरखी दादरी में पड़ती है। अब मुबारक शाह मतलब बधाई दे रहा है, बधाई दे रहा है, क्या होगा कुछ नया होगा, तो नया जिला बना है चरखी दादरी 2016 के अंदर, तो पीर मुबारक शाह अपनी होगी चरखी दादरी के अंदर। पीर जमाल की मजार, जमाल की मजार भिवाणी के अंदर होगी, ठीक है भाई। जमाल कमाल की मज़ार है कैथड़ के अंदर, एक जमाल की मज़ार भाई यहाँ पे सोनीपत में भी बताया करें मैडम, तो ये जमाल की मज़ार एक यहाँ पे भी है। उसके बाद आप चलते हैं अगले पे रोहतक की, रोहतक में देखो भाई काजी की मस्जिद है, शीशे वाली मस्जिद है, दीनी मस्जिद है, लाल मस्जिद है, अस्थल बोरमस्ट है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं आप पहले काजी की मस्जिद, तहखाना सफ़ेद पत्थर का है भाई इसमें। उसके बाद दूजाना गाँव जज्जर गोल घुमावदार सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। उसके बाद शीशे वाली मस्जिद क्या है, कांच की मस्जिद है, संगमरमर के इसमें पत्थर हैं। इसको थोड़ा एक बार और थोड़ा जूम कर देता हूँ भाई मैं आप लोगों के लिए, भाई तुमने इसमें पढ़ने में आसानी हो। उसके बाद यह क्या है, दीनी मस्जिद पहले मंदिर था लेकिन अब ये मस्जिद बनाएगी, तो दीनी मस्जिद कहाँ पर है, रोहतक के अंदर है। उसके बाद लाल मस्जिद हाजी हरियद अली, उसकी हाजी के नाम से है भाई देख लेना। लाल मस्जिद कहाँ पे है भाई, रोहतक के अंदर है। अस्थल बोरमठ इंपॉर्टेंट जहाँ पे बाबा मसनाथ का मेला भी लगता है, तो ये भी कहाँ पे है, रोहतक के अंदर है। शाहजहाँ की बावड़ी में हमें रोहतक के अंदर है। उसके बाद आ जाते हैं आप हिसार के अंदर, हिसार में देखो भाई फिरोज शाह तुगलुक ने बसाया था हिसार, गुजरी महल दीवाने आम लाट की मस्जिद भी गुजरी महल, जो सारे सारे कहाँ पे है हिसार के अंदर है। यहाँ पे फिरोज शाह कॉम्प्लेक्स है, जहाज कोठी भी कहाँ पे है हिसार के अंदर। जहाज कोठी जो जॉर्ज थॉमस था भाई, जो आयरलैंड का निवासी था, जिसने भाई रानी ने जो कौन सी रानी मुसम्मद, तो भाई उनका नाम था समरू बेगम, तो उन्होंने भाई समरू बेगम ने उसे टप्पल की जागीर के रूप में कलेक्टर के रूप में नियुक्त कर दिया था, कि इसको जॉर्ज थॉमस को, इसने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो हिसार की आस्सी बनाई थी। उसके बाद इसकी मजारें पढ़ लेते हैं भाई। देखो शेख जुनेद की मजार कहाँ पर हिसार में,
कुतुब शेख जमालुद्दीन अहमद की मज़ार कहाँ पे है? कुतुब शेख जमालुद्दीन की मज़ार हिसार में, कुतुब मौलाना की मज़ार हिसार के अंदर, बसोहीद्दीन सूफी कुतुबद्दीन मनवर की मज़ार, कुतुब नुद्दीन की मज़ार, और मीरा साहब का मकबरा कहाँ पे? मीरा साहब का मकबरा हिसार के अंदर है, और भीत ताजारा की मज़ार भी हिसार के अंदर है भाई, इंपॉर्टेंट हो गया अपने। उसके बाद ये जो हिसार के अंदर फिरोज शाह कोमलेसी में क्या क्या भाई, एक तो है भाई गुजरी महल, उसके बाद दूसरा है लाट की मस्जिद, जहाज कोटी जो कि जॉर्ज थॉमस आयरलैंड के निवासी थे, उसके बाद है नागौरी में नागौरी तलामी और मोरी दिल्ली, ये चार गेट है नागौरी के, ये भाई शायद तलामी मोरी दिल्ली गेट, ठीक है, ये चार गेट हैं हिसार के अंदर, और चार पीरों की दरगाह भी कहाँ पे है, हिसार के अंदर ही है। उसके बाद अपने पास इम्पोर्टेंट आती है भाई फतेहाबाद की, फतेहाबाद में मीर शाह मज़ार, फतेहाबाद में मीर शाह मज़ार, फतेहाबाद की लाट मस्जिद और हाली की दरगाह, तो ये कहाँ पे है? हाली की दरगाह और मीर शाह मज़ार फतेहाबाद के अंदर है, ठीक है। उसके बाद भाई अपना आता है कैथल के अंदर, कैथल के अंदर हमने पता होना चाहिए जो रजिया बेगम नौ मारी गई थी, जिसके पति का नाम क्या था? अल्तुनिया था, और जो भाई ये दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला शासक थी, जिसने मतलब टोपी बूट और टोपी की प्रथा चलाई थी, तो ये थी रजिया की बेगम, ठीक है। उसके बाद आ जाता अपना अपना बाबा शाह कलाम की मज़ार, बाबा शाह कलाम की मज़ार भी कहाँ पे है? कैथल के अंदर। बाबा मीर नौबहार, बाबा मीर नौबहार की पीर भी कहाँ पे भाई? कैथल के अंदर है। और पीर चेतन शाह, चेतन शाह भी कहाँ पे है? कैथल में। और भाई पीर एक है पीर कमाल, वो पीर कमाल जो वो कहाँ पे भाई? कैथल के अंदर है, जो कि नीचे आपने दिख रही होगी, पीर कमाल कैथल पे हैं। तो भाई ये हो गया रजिया बेगम का मकबरा, बाबा शाह कलाम की मज़ार, बाबा मीर नौबहार की मज़ार, और पीर चेतन शाह, तो चेतन शाह की मज़ार कहाँ पे होगी? कैथल में, मीरा नौबहार, ठीक है। एक तो देखो भाई मीर शाह मज़ार है, मीर शाह मज़ार है फतेहाबाद के अंदर, मीर शाह मज़ार फतेहाबाद के अंदर, मीरा नौबहार, मीरा नौबहार कहाँ पे है? मीरा नौबहार है कैथल के अंदर, जिसमें नौ आ गया भाई देखो, ठीक है, तो मीरा नौबहार होगी कैथल के अंदर, मीर शाह होगी फतेहाबाद में। उसके बाद एक और है मीरा साहब, तो मीरा साहब कहाँ होगी भाई? नेशनल हाईवे के ऊपर करनाल में, ठीक है। मीरा साहब मैं वैसे कह रहा हूँ नेशनल हाईवे पर नहीं है ये, पता नहीं मेरे को नेशनल हाईवे पर है या नहीं है, सर्च कर लेना, इसकी को मतलब कोई जरूरत भी नहीं है, वैसे मैं बता रहा था आपको। मीरा साहब का मकबरा, तो मीरा साहब होगी करनाल में, ये जो बिचला नाली ने भाई वह मैं बता रहा हूँ आपको, मीरा साहब और मीर शाह होगी फतेहाबाद में, और मीरा नौबहार होगी कैथल में, ठीक है। देखो नौ के ऊपर देखो डबल ये दो मात्रा हैं, तो कैथल में भी दो मात्रा, तो इससे याद कर लो मीरा नौबहार कैथल में, और मीर शाह बड़ा नाम है, बड़ा नाम भाई फतेहाबाद का भी करनाल से बड़ा नाम है। और उसके बाद मीरा साहब, साहब कहाँ बैठते भाई? हाईवे के ऊपर बैठते हैं, साहब को हाईवे में इसके किले चले गए, तो मीरा साहब बन गए हो, तो मीरा साहब करनाल में, मीरा नौबहार हो गया कैथल में, और मीर शाह हो गया फतेहाबाद में। तो भैया आपने लर्न करने की मैंने ट्रिक बता दिया। उसके बाद कैथल में भाई, सॉरी कैथल में नहीं, कुरुक्षेत्र में शेख चिली का मकबरा है, जिसको हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। शेख चिली का मकबरा अब्दुल रहीम ने बनाया था, तो अब्दुल रहीम से हरियाणा का ताजमहल, तो ये वर्ड करेक्ट कर लेना, शेख चिली का मकबरा कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में, अब्दुल रहीम हरियाणा का ताजमहल। उसके बाद चीनी यात्री इंसाक ने थानेसर, मतलब थानेसर में आया था, हमने पता हर्षवर्धन के काल में आया था। उसके बाद हर्षवर्धन कहाँ पे मारा गया था? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा मारा गया था, नर्मदा नदी के तट पर। आपने बताना कि भाई नर्मदा नदी के तट पर जो हर्षवर्धन मारा गया था कौन से वंश का था, और कौन से सन में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद चलते हैं भाई अपने तो अगले टॉपिक पे, जो कि है इस वीडियो का भाई आज लास्ट टॉपिक, क्योंकि यहाँ से अगर इतने कर लेते हो भाई बहुत ज़्यादा मटेरियल आ गया इसमें, अगर ये कर लेते हो भाई आपने हरियाणा की एक जनरल सी नॉलेज हो जाए, अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें 15 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। तो भाई ये मैंने कराए थे हरियाणा के बारे में, लास्ट टॉपिक चल रहा है, तो जो लास्ट टॉपिक है वो हरियाणा में जो भी उद्योग हैं तो वो कहाँ पर हैं वो मैं बताऊँगा आपने इसमें, ठीक है। तो भाई आप स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ से यमुनानगर से, यमुनानगर में देखो एक तो भाई गोला बारूद का उद्योग है, हरियाणा डिस्टिलरी, सरस्वती शुगर मिल, सरस्वती शुगर मिल कहाँ पे है भाई, ठीक है, तो सरस्वती शुगर मिल होगा अपने यमुनानगर के। देखो बिचड़ाने वाला टॉपिक क्या आ गया भाई, सरस्वती वन्यजीव अभियान कहाँ पे? सरस्वती वन्यजीव अभियान कैथल के अंदर है, लेकिन सरस्वती
यो आ गया अपना सरस्वती शुगर मिल कहाँ पे है, सरस्वती शुगर मिल अपना यमुनानगर के अंदर। तो भाई इसी पेज पर आप लिख लेना, अगर स्नैपशॉट लिखो, अगर कुछ भी अपने नोट्स बनाओ तो सरस्वती वन्य जीव अभियान कैथड़ के अंदर है, लेकिन सरस्वती शुगर मिल अपना यमुनानगर के अंदर। देखो कितनी बढ़िया बात है। उसके बाद चलते अपना अगला यमुना गैसेज लिमिटेड, आपने पता है भाई इसका, तो यमुनानगर गैसेज लिमिटेड कहाँ पर है, यमुनानगर के अंदर। ये तो यमुना का यमुनानगर कनेक्ट हो गया। उसके बाद बल्लातपुर है भाई, बल्लातपुर पेपर में है, बिल्ट के नाम से भी जाना जाता है इसको, बिल्ट बल्लातपुर इंडस्ट्रियल पेपर लिमिटेड इसके नाम से कुछ है, तो बिल्ट या बल्लातपुर पेपर लिमिटेड, तो बिल्ट के नाम से भी लिख रखे हैं यहाँ पे 1929 में। तो ये कहाँ पे, यमुनानगर के अंदर पड़ेगा। भारतीय स्टार्च केमिकल लिमिटेड ये भी इसके अंदर है। रेलवे कैरिज इंपॉर्टेंट है तथा वैगन वर्कशॉप ये कहाँ पे, यमुनानगर के अंदर है। उसके बाद टिम्बर मार्केट, पूर्व नाम अब्दुल्लापुर था किसका, यमुनानगर का। यमुनानगर का पूर्व नाम क्या था, अब्दुल्लापुर। और जो टिम्बर मार्केट है, टिम्बर भाई एक तरह की लकड़ी होती है, तो लकड़ी पेड़ कहाँ पे ज़्यादा काटे जाते हैं यमुनानगर के अंदर, तो भाई ये हो गया टिम्बर मार्केट यमुनानगर के अंदर ही। अगला आ गया अपने पास करनाल एग्रो बेस्ड, एग्रो बेस्ड पता होगा NDRI भी है यहाँ पे भाई, सोयल फर्टिलिटी का केंद्र भी कुछ है। NDRI 1955 में यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हुई थी। तो करनाल में अपन याद रखना एग्रो बेस्ड उपकरण, लिबर्टी शूज कंपनी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, चीनी चमड़ा स्टील पेपर ये सारी जगह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद पानीपत में कैप्टिव विद्युत संयंत्र, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 44 पे सिचुएटेड है पानीपत, थोड़ा निकलती है चंडीगढ़ की साइड, ठीक है। तो इंडियन ऑयल लिमिटेड कॉरपोरेशन बहुत ही बड़ी कंपनी है पानीपत के अंदर, जो कि पेट्रोलियम रिफाइनरी है। अगला नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, जो भी कहाँ पर है पानीपत के अंदर है। पेट्रो रासायनिक पेट्रोल तो पेट्रोल डीजल कहाँ पर बनता है ज़्यादा पानीपत में, तो पेट्रोल रासायनिक परिसर कहाँ पर होगा पानीपत के अंदर होगा। अमोनिया प्लांट देखो एक तो था भाई आ गए कितना की था, कैप्टिव इंडियन ऑयल हो गया और फर्टिलाइज़र अमोनिया ये सारे के सारे कहाँ पे हैं पानीपत के अंदर हैं। टेबल मैट्स, लिबर्टी शूज़ वही इंपॉर्टेंट वहाँ पे है करनाल में। चीनी मिल भी है, पेंट चमड़ा लकड़ी उद्योग, कृषि यंत्र, तेल शोधक के कारखाने, तो ये हो गए इंपॉर्टेंट पानीपत में। उसके बाद कंबल भाई पता होना चाहिए आपने, पूरे इंडिया में कंबल कहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं, तो पानीपत से होते हैं। जितनी भी अपनी सेना है अपनी आर्मी के लिए कंबल कहाँ से जाते हैं, पानीपत से जाते हैं। कंबल, बेड कवर, डिब्बा, सूखी सब्जी, पचरंगा अचार भी इम्पोर्टेंट है पानीपत से मिलता है। उसके बाद बासमती चावल से धान का कटोरा भाई करनाल, तो बासमती चावल सबसे ज़्यादा करनाल में और सबसे ज़्यादा वैरायटी होती है कैथल के अंदर। उसके बाद आ जाते हैं आप सोनीपत के अंदर, सोनीपत में मेन इंपॉर्टेंट भाई एटलस साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलस साइकिल ऊपर देख लो, रबड़ का सामान मशीन उपकरण, भार तोलने की मशीनें, मोटर गाड़ियाँ इतना नहीं है, मोटर गाड़ियाँ ज़्यादातर गुड़गांव में है। वर्निश, स्टील फर्नीचिंग, मुरथल की शराब। उसके बाद फरीदाबाद में भाई सेरा सैनिटरी वेयर लिमिटेड, एस्कोट इंपॉर्टेंट, आइसर JCB, जिसकी JCB मतलब JCB होती है भाई, JCB आपने पता होगा। इंडिया लिमिटेड गुडियर टायर इंपॉर्टेंट, बाटा इंडिया लिमिटेड, बाटा भी कहाँ पे है भाई फरीदाबाद के अंदर है। टायर ट्यूब उद्योग जितने भी होते हैं भाई, ये टायर ट्यूब उद्योग कहाँ पे हैं फरीदाबाद के हैं। चिकित्सा उपकरण, ट्रैक्टर, राजदूत मोटरसाइकिल, रेफ्रिजरेटर, और भाई ये हो गया रबड़ के टायर टूल्स और आदि जितने भी हैं सारे के सारे फरीदाबाद के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है। उसके बाद है पलवल में एक्शन कंस्ट्रक्शन फंक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भाई फरीदाबाद बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में, आप इस चीज़ों को भाई ध्यान से देखना। गुरुग्राम में आते हैं भाई इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा, इसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र मनेसर, शीशे का सामान, होंडा स्कूटर, मारुति सुजुकी बहुत इंपॉर्टेंट 1981 में यहाँ पर आई थी। उसके बाद है चौधरी देवीलाल आदर्श उद्योग नगरी निर्माण, 7 इंडस्ट्रियल एस्टेट कहाँ पर है गुड़गांव के अंदर, मोटर गाड़ियाँ के पुर्जे या फिर दवाइयाँ। उसके बाद है भाई महेंद्रगढ़ में नारनौल सीमेंट प्लांट, पशु आहार फैक्ट्री, मार्बल फैक्ट्री भी कहाँ पे है महेंद्रगढ़ के अंदर। अगले हैं चमड़े के जूते कहाँ पे मिलते हैं, ये सारे के सारे रेवाड़ी के आ गए भाई। चमड़े के जूते, हस्तशिल्प, ठीक है, धागे की औद्योगिक इकाइयाँ, इनलैंड कंटेनर डिपो, टाइल स्लेट, पीतल बर्तन, देखो पीतल नगरी भी रेवाड़ी को लेकिन स्टील सिटी ही सारा है। हीरो होंडा मोटरसाइकिल, दारू एडी, कब एस्टेब्लिश 2011 में, देखो भाई हीरो होंडा से अलग कब हुई थी, हीरो होंडा से अलग हो गई थी 2000
ग्यारह में, और मुंजाल परिवार है भाई, ये मुंजाल परिवार ने ही इसको एस्टेब्लिश किया है, ठीक है। तो 1911 में ये 1911 नहीं भाई 2011 में ही रोमोटो कोप बन गई थी, होंडा से अलग हो गए। हीरो पहले गुरुग्राम में स्थापित हुई थी 1984 में, ठीक है, 1984 में वहाँ हुई थी। तो भाई ये थे इम्पोर्टेंट, अरमुंजाल परिवार से है भाई ये हीरो मोटो कोप, अलग हो गई थी 2011 के अंदर। उसके बाद आ जाते हैं भाई अपने पास जज्जर के, जज्जर का यहाँ पे दे रखा है, टाइल हो गया, बिस्कुट हो गया, बिजली के उपकरण हो गए, और रिलैक्सो जूता, रिलैक्सो भाई आपने पता होगा रिलैक्सो वॉच होती है इसकी, तो रिलैक्सो इंपॉर्टेंट है, और एक बिस्कुट का उद्योग हो गया जज्जर के अंदर। अगला है भाई ये आगे सारे के रहे रोहतक आ गया, इसमें कुंड में बिजली का सामान गज्जक रेवड़ी, पता होगा रोहतक की रेवड़ी मशहूर है, शल्य चिकित्सा उपकरण, एशियन रोंगन उद्यान, अर्चीनी मिल महम। उसके बाद भाई भिवाणी के देख लेते हैं, सूती वस्त्र उद्योग, लोहे के गार्डर, कृषि औजार। उसके बाद है भाई ये चिनार फैब्रिक लिमिटेड, भिवाणी टेक्सटाइल मिल, सेठ रामकृष्ण सीमेंट फैक्ट्री, चरखी दादरी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल। तो भाई जो यहाँ पे है सेठ रामकृष्ण फैक्ट्री है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सेठ रामकृष्ण फैक्ट्री जो कि कहाँ पे है भिवाणी के अंदर। तो सेठ रामकृष्ण फैक्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग, लोहे के गार्डर, कृषि उजौर, चिनार फैब्रिक लिमिटेड, भिवाणी टेक्सटाइल मिल भी इम्पोर्टेंट है भाई, सेठ रामकृष्ण सीमेंट फैक्ट्री, चरखी दादरी, उसके बाद टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल भिवाणी के अंदर। टेक्सटाइल का सूती वस्त्र उद्योग हो गया भाई यहाँ पे भिवाणी के अंदर, ठीक है भाई। उसके बाद आगे अपने हिसार पे आ गए, हिसार पे क्या क्या टेक्सटाइल मिल है हिसार के अंदर भी, जिंदल ग्रुप, जिंदल भाई बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रुप है हिसार के अंदर, बिजनेसमैन है जिंदल, और पता भी हो गया हरियाणा की सब में, मतलब हरियाणा की भी लेडीज सब में अमीर महिला जो हरियाणा की वो है सावित्री जिंदल। उसके बाद है सूती वस्त्र भी और पीवीसी पाइप भी हिसार में, लोहे के गार्डर और लकड़ी का सामान, देखो ये सारे एक जगह मिल सकते हैं, लेकिन पीवीसी पाइप जिंदल ग्रुप सारे के सारे कहाँ पे हिसार के अंदर है। डबवाली फूड पार्क कहाँ पे भाई, डबवाली फूड पार्क अपना सिरसा के अंदर है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आते हैं आप कुरुक्षेत्र में, तेजाब खाद मिल्क प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, चीनी मिल और चावल मिल, ठीक है। तो इसमें आ गया एक तो कोल्ड स्टोरेज, तेजाब खाद मिल्क प्लांट, मिल्क प्लांट हो गया कुरुक्षेत्र के अंदर, कोल्ड स्टोरेज होगी, और ये अपना मिल्क प्लांट हो गया, ये सारे भाई कुरुक्षेत्र के अंदर है और क्या है इम्पोर्टेंट है। अंबाड़ा जिसको भाई मिक्सी सिटी भी कहा जाता है, विकास के अंदर इंजीनियरिंग उद्योग है, मिक्सी कम ग्राइंडर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मिक्सी कम ग्राइंडर पूछ लेते हैं कई बार मिक्सी सिटी के नाम से। गैस स्टोव कहाँ पे है भाई, इसमें अंबाड़ा के अंदर है। विज्ञान उपकरण, एक तो देखो अंबाड़ा में है, अरे एक विज्ञान उपकरण थे अपने फरीदाबाद के अंदर जो विज्ञान से सामान बनते हैं भाई, अगर हम साइंस लैब में जाओ केमिस्ट्री लैब में जाओ तो जो शीशे की वो है ना भाई, शीशे की ट्यूब, टेस्ट ट्यूब सारे सौदा यहीं पर अंबाड़ा में और फरीदाबाद में बनता है। समरसीबल पंप हो गया और साहा फूड पार्क, तो अंबाड़ा के अंदर है साहा फूड पार्क। उसके बाद लास्ट है भाई अपने पास पंचकुला जो कि है हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT जिसको हम कह सकते हैं, बहुत बड़ी फैक्ट्री है भाई पंचकुला के अंदर, इम्पोर्टेंट है भाई। HMT कहाँ पे है पंचकुला के अंदर, मिक्सी सिटी किसको कहा जाता है भाई अंबाड़ा को, तो HMT कहाँ पे है अपना पंचकुला के अंदर है। उसके बाद भूपेंद्र सीमेंट प्लांट इम्पोर्टेंट है, वो भी भूपेंद्र सीमेंट प्लांट पंचकुला के अंदर। उसके बाद टी पार्क, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हैफेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी पंचकुला में, हैफेड 1996 HSIDC 1967, तो ये भी कहाँ पे है भाई पंचकुला में। तो पंचकुला की दोबारा देखो एक बार, HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स है जिसकी एब्रीविएशन। उसके बाद है भूपेंद्र सीमेंट प्लांट कहाँ पे है भाई पंचकुला के अंदर है, टी पार्क और भारत इलेक्ट्रॉनिक एफिड जो कि पंचकुला के अंदर है। तो भाई ये हो गया अपने सारे के सारे टॉपिक कवर। देखो भाई अगर वीडियो बढ़िया लगी, दिल से बढ़िया लगी, तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो यार, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई थारे भैया से, ठीक है। तो एक कंपाइल्ड वीडियो बना दिया अपन, सारे के सारे टॉपिक दो बना रखे भाई मैंने, कंप्लीट हरियाणा जीके के नाम से अगर सर्च करोगे तो आपके यूट्यूब चैनल के पे आ जाएगी कंप्लीट हरियाणा जीके, ICS लिख देना। उसके बाद अगली अपनी या दो वीडियो अपनी तैयार हो गई है कंप्लीट हरियाणा जीके की, तो अगर ये देख लेते हो भाई मोर देन एनफ है, ठीक है।
तो और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक से आप कराते रहेंगे, हरियाणा के प्रिय विषय भी चलते रहेंगे। तो भाई धन्यवाद देखने के लिए, यहाँ तक जय हिंद, राम राम।